तो देखिए, हम सबसे पहले सवाल पर चलते हैं, जहां कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इंग्लिश में मैं बोल दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपोर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस, यानी इसमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं था, यानी बाकी सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये रेबल हो गए, लेकिन एक फैक्टर है। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो कंपनी के ऑफिसियल ऑफिसियल्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, जिस बात से लोगों में गुस्सा था, लोग रोष थे। दूसरा है जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, और ऐसा पहले के हिंदुइज्म में या इंडियन कल्चर में था कि अगर आप समुद्री यात्रा कर लेते हैं तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और जब उनको अन्य देशों में, अफ्रीका में, मॉरिशस में या फिर सेंट्रल अमेरिका ले जाया जा रहा था, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये हमारे धर्म पर एक अटैक है, तो इस वजह से भी लोग गुस्सा थे, रेबल में आ गए थे। तीसरा है भत्ते की रोकथाम, ये बहुत है अच्छी बात है कि लोगों का जो सिपोही थे उनके भत्ते रोके गए थे, जिसके वजह से उनमें गुस्सा था। चौथा ऑप्शन है अधिकारियों की अक्षमता, यानी कि द इनइफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर्स। तो क्या ये अपने आप में फैक्टर था? ऑप्शन डी, सोचना है आपको। और देखिए, जब इसका आंसर रिलीज किया गया, मतलब कि आयोग के द्वारा आंसर की में, तो उसका आंसर डी लिया गया था कि अधिकारियों की जो अक्षमता है, यानी जो उनकी इनकैपेबिलिटी थी, वो कहीं से भी रिवीलन की वजह नहीं थी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। और आप जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, कि इसको अच्छे से आपको कवर कर लेना है कि उसके तत्कालिक कारण क्या थे और वजह क्या थे, मतलब धनी वर्ग क्यों उनसे गुस्सा था, गरीब क्यों गुस्सा था, जमींदार को क्या दिक्कत थी, किसानों को क्या दिक्कत थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखा, और कौन व्यक्ति कहाँ से लीड कर रहे थे। पीर अली पटना में, यहाँ पर आप देखेंगे भी कि बिहार के क्षेत्र के लिए बाबू कुंवर सिंह, ये किस तरीके से रोहिणी से शुरुआत होती है चीजों की, इन चीजों पर आपकी एक बहुत ही अच्छी फोकस होनी चाहिए। ओके, तो जो जनरल सर्विस इन लिस्टमेंट एक्ट है 1857 का, कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस बनाया कि ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स या रिक्रूट्स जो होंगे विल हैव टू सर्व एनीवेयर जहां पर की कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, और ये कहीं ना कहीं हिंदू सिपोहियों को आहत पहुंचाने का काम किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर, जो कहा गया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये जफर उनका पेन नेम था क्योंकि ये लिखने का काम भी करते थे, उर्दू पोएट्री वगैरह में इनकी अच्छी पकड़ थी, कि बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनके साम्राज्य की सीमा थी, कि उनका जो साम्राज्य है कितना विस्तार है, ये पूछा गया है कि चांदनी चौक से लेके पालम तक, ये दोनों इलाके दिल्ली में ही आते हैं, या दिल्ली से बिहार तक, या पेशावर से बिहार तक, या पेशावर से वाराणसी तक, या ऑप्शन ही था उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। अब ये सवाल है, लोग कह रहे थे कि इनकी सीमा जो है काफी सिकुड़ गई थी, तो हमें ऑप्शन ए ले लेना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली बीपीएससी इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया और कहा कि इस क्वेश्चन को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, आप जो भी ऑप्शन लिए हैं इस क्वेश्चन को ही डायरेक्टली हटा दिया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो बीपीएससी डिलीट करती है, हर बार का ये उनका ट्रेंड है, तो ये क्वेश्चन हट गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, और इसमें कहा गया कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, यानी कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी तो बहुत सारे लोग बगावत कर रहे थे, कुछ लोग नहीं भी बगावत किए, तो कौन बगावत नहीं किए, विजयनगरम का राजा, या फिर हैदराबाद का निजाम, या तमिलनाडु के पोलिगार, या फिर त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी, वो कौन से व्यक्ति हैं जो बगावत नहीं किए, जो रिबेलियस नहीं थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सोचिए, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो हैदराबाद के निजाम हैं इन्होंने बगावत नहीं किया था। और ये बात कब की हो रही है, ऐसे अगर आपको समझना हो तो बात है 1798 की, 1798 की बात है। 1798 में हैदराबाद का जो निजाम है पहला भारतीय राज बना जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सुरक्षा स्वीकार की थी, और उन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, जो कि 1803 से 5 के बीच चला है, और तृतीय जो मराठा युद्ध हुआ है आंग्ल मराठा, यानी 1817 से 19 के बीच में, और आंग्ल मैसूर युद्धों में अंग्रेजों की सहायता की, और 1857 में भी वो अंग्रेजों के वफादार रहे हैं।
तो ये है हैदराबाद का जो निजाम है उसकी बात हो रही है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लॉयल्टी अपनी शो करा। तो 3 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और यहां पर बात की जा रही है नील विद्रोह। नील विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि नील विद्रोह किसके बारे में था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, क्या ये बात था? यानी कि जब पीजेंट थे नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू प्लांट या ग्रो। दूसरा हो गया कि रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, कि द पीजेंट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू, क्या ये बात सही है? और तीसरा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी, ठीक है? क्या ये बात है कि उनको दिया जा रहा है कि नहीं आपको खेती करना है लेकिन सही प्राइस नहीं मिल रहा था। और चौथा ऑप्शन है कि नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह आंदोलन था, क्या था ये? नील विद्रोह आपको बताना है। और ये 1800 मतलब 18 सेंचुरी का है, 17 सेंचुरी का है, आपको ऐसे सोच के बताना है, ठीक है? तो ये बात नील विद्रोह की जो है वो 1859 और 1860 में रही है, यानी ये महात्मा गांधी का जो नील का सत्याग्रह है उससे कनेक्ट करते हुए आपको नहीं देखना है, वो तो बिहार का है चंपारण सत्याग्रह, और ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और उसकी वजह थी ऑप्शन सी, यानी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ओके, और नील की खेती बंगाल में 1777 के करीब शुरू हो गई थी और यह मुख्यतः दो स्वरूपों में होती थी, एक निज आब्द और एक रैयत के हिसाब से। तो नील जो निज हो गया यानी जो पर्सनल हो गया, तो वो अपनी भूमि पर नील उगाने का उत्पादन सीधा कमाई मालिक के नियंत्रण में होता था, और जो रैयत वाला हो गया सिस्टम आप समझ रहे हैं कि वहां पर एक तरीके का फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाली चीज हो गई। यहाँ पर जो प्लांटर्स थे, जो बगान के मालिक थे, वो रियोती कल्टीवेशन में, तो उनको जबरन उगाया जाता था, एक तरीके का उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था और उनको अंडर पे किया जाता था। तो 4 और इसका सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और यहां पर बात की जा रही है 1875 के डक्कन के दंगों का तत्वकालिक कारण क्या था, यानी इमीडिएट कॉज क्या थे जो डक्कन रॉयट्स हुए हैं 1875 में। 1875 का जो दौर है वो इंपॉर्टेंट है, वैसे भी जब आप देखते हैं कि आर्य समाज वगैरह की स्थापना जो है 1875 में हुई है। तो क्या अकाल की छाया यानी कि फैमिन एक वजह था, या फिर महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, या मतलब कि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाई महाजन, या ऊंची भू राजस्व दर यानी हाई लैंड रेवेन्यू रेट्स, या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध यानी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, क्या वजह थी 1875 के डेक्कन रॉयट्स की? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी महाजनों के द्वारा जो ऊंची ब्याज दर वसूली जा रही थी उसके वजह से कहीं ना कहीं लोग गुस्सा थे और वही विद्रोह के रूप में सामने आता है डेक्कन रॉयट्स। ओके, तो ये आप एक इंपॉर्टेंट घटना है, इसके बारे में जानना चाहिए। और बात है 12 मई 1875 को रैयतों ने सुपा गांव में इकट्ठे होकर दुकानदारों पर उनके बही खाता और जो भी कर्ज के प्रपत्र थे सबको जला दिया। ओके, आक्रमण कर दिए और जो भी बही खाता बुक था लेखा जोखा उसको हटा दिया, अन्य के दुकानों पर लूटपाट भी किया और घर जो साहूकार थे सेठ थे उनके घरों को आग लगा दी। और बाद में होता क्या है कि दक्कन रैयत आयोग का रिपोर्ट जो है 1878 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, यानी कि द रिपोर्ट ऑफ द दक्कन रॉयट्स कमीशन वाज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878, यानी 3 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं और यहां पर बात होती है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? यानी एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है रजनी पाम दत्त और उन्होंने कहा है कि दे बोथ फॉट एंड कोलाबोरेटेड विथ इंपीरियलिज्म, ये किसके बारे में वो कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, या स्वराज पार्टी के बारे में, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, यानी ये भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वाली एसोसिएशन हो गई, किसके बारे में ये रजनी पाम दत्त ये बात कह रहे हैं? और ये बात कर रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में,
कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इनका अपना कहने का कंटेक्स्ट था, और इनका ये तस्वीर है जिसके पीछे आप देख रहे हैं कि व्लादिमीर लेनिन की तस्वीर लगी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, यानी इसमें से कौन सा एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है। और यहां पर इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, द हिंदू, बंगाली, दी महर्ता और द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक नेशनलिस्ट जर्नल न्यूज़पेपर नहीं है। सब न्यूज़पेपर जो भी इंपॉर्टेंट है नेशनलिज्म के दौर में, उन सब का आपको नाम पता होना चाहिए, कब पब्लिश हुए, किसके द्वारा किए गए। ओके, और बात यह है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये एक ऐसा इकलौता कह लें कि पेपर हुआ करता था जिसने स्थापना ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध करने के लिए ही किया गया था। उसका एस्टेब्लिशमेंट भी इसीलिए किया गया था। और 20 सितंबर 1878 को सर टी मुथुस्वामी अय्यर को मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति पद से हटाने के लिए एंग्लो भारतीय प्रेस द्वारा किए जा रहे मुहिम के विरोध की शुरुआत की थी। ये सब कुछ होता है, और ये 1881 की बात है, 1881 की बात है, जब बाल गंगाधर तिलक दो न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, एक इंग्लिश में होता है और एक होता है मराठी में। ठीक है, तो जो मराठी में होता है उसका नाम केसरी होता है, और जो इंग्लिश में होता है उसका नाम होता है मराठा या महरटा, जो आप कह लें वो आपको उचित लगे। ओके, इसी तरीके से बंगाली न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में आप जरूर पढ़े होंगे कि ये भी एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है, और इसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी 1862 में। ओके, लेकिन जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसका ऐसा कुछ लेना देना नेशनलिज्म से नहीं था, बल्कि बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के जो भी कुछ लोग हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना 1838 में की गई थी, टू सर्व द ब्रिटिश रेजिडेंट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ओके, और ये एक तरीके से 1851 में डेली न्यूज़पेपर बन जाता है, डेली आने लगता है, एंड चार्ज इसका नाम बदल के टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1861 में। ओके, तो यही करेक्ट आंसर हो गया, यही एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं है, बाकी सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमई मजय दर्शन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। अब ये काफी आसान है क्योंकि आप सारे ऑप्शंस नहीं भी जानते हैं, सारे नाम नहीं भी जानते हैं, एक दो भी अगर आप जानते हैं तो मैच करा के इसका सही जवाब दे पाएंगे। और देखिए, ये 65th में भी यहाँ पर ये प्रार्थना समाज वगैरह, इन सत्य शोधक समाज, इन चीजों का रिपीटेशन हुआ है, तो ऐसे भी आपके लिए पता होना चाहिए कि इन चीजों पर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी वाले। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। जो भी इस तरीके से ब्लॉग्स, ग्रुपिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं आजादी के पहले के भारत में, मूवमेंट्स या फिर रिवाइवल वाले मूवमेंट जो भी चले हैं, उनके बारे में अच्छी इंसाइट्स रख लेनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए, प्रार्थना समाज है, इससे रिलेटेड हो गए आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसी तरीके से यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख का है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रहनुमई मजदेशन ये नौरोजी फुरदौनजी के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभाएं बनाई गई हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। अब डिटेल्स में मैं बहुत ज्यादा यहां नहीं बता पाऊंगा, आप इसको अच्छे से स्पेक्ट्रम वगैरह की हिस्ट्री की बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्न या नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम सही संयोजन ज्ञात कीजिए। फिर इसी तरीके का ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए कितना आसान और ट्रिकी क्वेश्चन था। यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, और यहाँ पूछा गया है ना ये क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है कि ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र है, तो द हिंदू तो ऐसे ही पता चल गया कि राष्ट्रवादी है, बंगाली राष्ट्रवादी है, इतना आसान था। और अभी हमने जिक्र किया कि द हिंदू किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था, केसरी और महर्टा किसके द्वारा, तो ये क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है। तो द हिंदू तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक, इसी तरीके से बंगाली जो है इनसे रिलेटेड है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और हिंदुस्तानी जो हो गया तो गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक है ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का, ये एक संपादक इसके हुआ करते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। ओके, तो 9 नंबर सवाल, और इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कब से, कब ये मतलब इनमें चेंजेज आते हैं। वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने इसके बाद, मतलब जब वो एक पॉपुलर टीचर बने, या उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू की इसके बाद ये लोकमान्य तिलक कहलाने लगे, या सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, यानी ने गवर्नमेंट उनको एक्यूज बनाती है, एक्यूज करती है रैंड मर्डर में, या फिर उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया तब वो लोकमान्य कहे जाने लगे। आपको सही जवाब इसका बताना है, ओके? या ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ई है, यानी ऐसी एक कोई इंसिडेंस नहीं है कि उसके बाद वो लोकमान्य तिलक कहलाने लगे। ओके, तो लोकमान कहा जाता था, यानी ऐसा एक लीडर जो कि लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हो, लोक यानी लोगों के द्वारा मान्य है, और इसका कोई एक सही टाइम, फिक्स टाइम के पीछे कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्लेग कमीशन है और उसको लेकर जो एक वो पोएट्री लिखते हैं जिसके बाद चांपेकर बदल मर्डर कर देते हैं रैंड का, वो घटना कुछ का और कुछ मानना है करते करते, यानी इसका करेक्ट आंसर बीपीएससी ने भी ई लिया था कि एक से अधिक वजह है जिसके वजह से ये लोकमान्य तिलक कहलाने लगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी। ये सब बड़े अजीब सवाल बीपीएससी पूछता है, न जाने क्या सोच के पूछता है कि 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल और 25 साल से थोड़ा ज्यादा। अब आप ही सोचिए कि ऐसे सवाल का क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आपको लॉजिक मिलता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। ओके, तो ऐसे ही भगत सिंह का जन्म जो है 1907 का है, 1907 का जन्म है उनका, और जब उन्होंने ये बम फेंका है, ओके, तो वो गिरफ्तार किए गए हैं, तो 8 अप्रैल का दिन था और 1929 में। तो एज कितनी हो गई, करीब 22 साल एज हुई, यानी 21 साल से ज्यादा। रेशनली यही है। चलिए इस पर बहुत ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं कि बस आप नंबर बटोर लो, इकट्ठे कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। द जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधियन सत्याग्रह, स्वदेशी सत्याग्रह की वजह से, या रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलिए इसका जवाब आप ढूंढिए, ओके? और आप जानते हैं कि ये जो एक बहुत ही ऑप्रेसिव कानून बनाया गया था, रॉलेट एक्ट आया था, कि सरकार बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, इसी के विरोध में इकट्ठे हुए थे लोग जालियांवाले बाग में, जहां पर कि ये नरसंहार मैसेकर हुआ था। और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। और ऑप्शंस हैं आरा, बेतिया, पटना और वाराणसी, और ऑप्शन ई है, एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भी लोग बिहार से हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये विद्रोह कुंवर सिंह भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर शाहबाद, उस समय का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर जो आरा हुआ करता था, वहां से लीड कर रहे थे। वहां बहुत सारे इनसे रिलेटेड एविडेंसेज भी हैं, लेकिन अंत में ये मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच गया क्योंकि बीपीएससी ने फाइनली इसका आंसर बी लिया था। और जो भी सरकार के तरफ से, या कह लें बीपीएससी के तरफ से जो भी व्यक्ति आए थे एडवोकेसी के लिए, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, बड़े रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, उन्होंने फाइनली यही कहा कि भले ही वो शारीरिक रूप से आरा में मौजूद थे लेकिन मानसिक रूप से वो पटना में थे, और करेक्ट आंसर बी लिया गया। खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, बिहार में, पंजाब में, सिंध में, या काठियावाड़। काठियावाड़ यानी कि गुजरात का क्षेत्र। करेक्ट आंसर आपको सोच के बताना है। और देखिए आप ये समझिए कि सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना जो फोर्टिफिकेशन करना शुरू करते हैं और अपना कानून व्यवस्था लागू करते हैं, अपना सिक्का छापना शुरू करते हैं, वो सारा काम जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में हो रहा था। तो यहीं पर सबसे पहले ट्राइबल का रिबेलियन, पीजेंट रिबेलियन सब एक्सपीरियंस किया गया। तो जो बिहार का क्षेत्र है
वो उस समय आज का जो ये मॉडर्न डे झारखंड हो गया है यहीं पर सबसे अधिक रिबेलियन देखा गया था, और ये इसका एक रीजन हो गया था सबसे पहले। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी क्षेत्र में देखा गया है, क्योंकि सवाल पूछा गया किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो क्या सिंध के क्षेत्र में नहीं हुआ, क्या पंजाब के क्षेत्र या काठियावाड़ के क्षेत्र में नहीं हुआ, सोचना है। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये कई जगहों पर इस तरीके से विद्रोह किए गए। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ कोल विद्रोह किया गया, संथाल विद्रोह किया गया, छत्तीसगढ़ बस्तर में भी विद्रोह किया गया, महाराष्ट्र में भी विद्रोह हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई कायदे से ले लेना चाहिए कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो इसके क्षेत्र थे जहां पर कि रिबेलियन हुए हैं, उड़ीसा में हुए हैं, असम के क्षेत्र में देखा गया है, तो जो उस समय का बॉम्बे प्रेसिडेंसी है वहां पर भी देखा गया, तो बहुत जगहों पर देखा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है? अगर मैं इस लाइन को इंग्लिश में पढ़ दूं, सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द ब्रिटिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज कॉल्ड व्हाइट मैन बर्डन। यानी अंग्रेजों का, गोरों के ऊपर एक तरीके से ये बोझ है जो इंडिया है। ये लाइन किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने, या महात्मा गांधी ने, सचिदानंद सिन्हा जी, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या इनमें से कोई नहीं? सोच के आपको सही जवाब देना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार से इत्तेफाक रखने वाले सचिदानंद सिन्हा, भोजपुर जो बिहार का क्षेत्र है वहां से ये रिलेटेड है। ओके, और इन्होंने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट की थी, इनके द्वारा जो संपादित समाचार पत्र है उसका नाम था इंडियन पीपुल। ओके, और उन्होंने उसमें ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था, और 1903 में, 1903 में उन्होंने ये बात लिखी थी कि मतलब लॉर्ड कर्जन को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने इस तरीके के स्टेटमेंट्स लिखे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? मेरे हिसाब से ये 150 सवालों में सबसे आसान क्वेश्चन था, और इसमें इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए थे, अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, या इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या होगा सही जवाब? इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे भी आप केक याद रख लीजिएगा, तो केक में ई साइलेंट है, तो सबसे पहले हो गया चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा की बात आती है। ओके, ठीक, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। ओके, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। वो प्रदेश कौन सा था? मतलब वो आंध्र प्रदेश की बात है, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी, या बिहार, या गुजरात, कहाँ की जो गवर्नमेंट थी इस तरीके से एक इश्तेहार देती है पेपर में कि शराब पीना कहाँ गलत बात है, जो भी बड़े बड़े हस्ती हुए हैं दुनिया में वो सारे शराब पीते हैं। तो इस तरीके का इंडिया में एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया था? गांधी जी के जो शराबबंदी का एक प्रोविजन था उसके अगेंस्ट। तो ये बात हमारे बिहार की है, बहुत महान बात है। तो 17 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ओके, हालांकि अभी बिहार में शराबबंदी है, ये भी एक अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? कि नमक बनाए ही, नमक कानून को तोड़े ही, लेकिन साथ में यहाँ पर बिहार के लोग एक नया सिस्टम डेवलप कर लिए कि हम एक टैक्स नहीं देंगे। ओके, वो कौन सा टैक्स देने से मना कर रहे थे? चौकीदारी कर, या हाथी कर, या डेवलपमेंट कर, या मलवा कर? तो देखिए, ये बिहार में या जो भी ईस्टर्न इंडिया है वहां पे चौकीदारी कर बंदी का एक नया ट्रेंड आ गया, एक तरीके का नया बगावत आ गया। तो 18 का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, यानी लोग बोले कि हम अब चौकीदारी कर नहीं देंगे जो कि हम दिया करते थे। और गांधी जी जब नमक बनाते हैं, 6 अप्रैल 1930 की बात है जब गांधी जी नमक कानून को तोड़ देते हैं, दांडी यात्रा करते हैं, वहां पहुंचते हैं और यहाँ पर नमक कानून को तोड़ते हैं, तो दुनिया, सॉरी दुनिया मैंने कह दिया, इंडिया भर में आप देखेंगे कि कई जगहों पर ये तोड़ा जाता है, नमक कानून को तोड़ा जाता है। लोग लोकली वहां पर नमक कानून के विरोध में इस तरीके से जाते थे, मार्च करते थे और नमक बनाते थे और बोलते थे कि ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, इस पर हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता है, नमक तो हमारा बेसिक नीड है।
ओके okay. हालांकि गांधी जी से पहले सॉल्ट टैक्स की बात दादा भाई नौरोजी भी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। देखिए बात हो रही है 1938 की, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन इस तरीके से हैं कि भारत का युद्ध में शरीक होना, क्या इसके वजह से, ये बात 1938 की है, 1939 में युद्ध शुरू हुआ है। दूसरा है कि गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर यानी हाई टैक्स बिंग इम्पोज बाय ब्रिटिश, या राजनैतिक बंदियों को छोड़ना यानी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, क्या इसके वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी बिहार की वो रिजाइन कर देती है फेब 1938 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ही है कि जो राजनैतिक बंदियों को छुड़ाने की मांग पर ये डिसॉल्व हो जाता है गवर्नमेंट। हालांकि इसको भी लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन सही नहीं है, गलत है। खैर आंसर की में जो मान लिया गया वही फाइनल आंसर होता है, और 19 का सही जवाब आंसर की ने डी दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, और इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान या फिर यदुनंदन शर्मा। ओके, और आपको सही जवाब इसका बताना है। तो कौन कौन लोग जुड़े थे, तो ये चारों जो पर्सनालिटीज हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई। इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया है, इसके लिए आप स्टडी आईक्यू के वीडियोस को देख सकते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। अब देखिए यहां से मैथ शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, यहाँ कहा गया है कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर है यानी लेंथ जो है 12 मीटर है, जो चौड़ाई है 9 मीटर है, और हाइट जो है उसकी ऊंचाई जो है 8 मीटर है, तो उसमें सबसे लंबा कितना लंबा पोल रखा जा सकता है। यानी कि जैसे इस तरीके का एक रूम का स्ट्रक्चर हो गया, क्यूबाइड है, ओके, तो इसमें सबसे लंबा कितना लंबा पोल रखा जा सकता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला से आप डिराइव कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि ये हाइट है तो इसका लेंथ जो है 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर 144, प्लस ब्रीथ है 9 मीटर तो 81 हो गया उसका स्क्वायर, और 8 मीटर उसकी ऊंचाई है तो इसका 8 का स्क्वायर 64 हो गया। जब सब जोड़ देते हैं तो आप क्या पाते हैं कि ये हो गया अंडर रूट 289, यानी कि 17 मीटर की सबसे लंबी से पोल रखी जा सकती है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं, जहां कहा गया है रेलगाड़ी बीपीएससी का फेवरेट है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकती है कितने टाइम में। ओके, तो यहाँ उत्तर दिशा में जाए चाहे दक्षिण दिशा में कोई मतलब नहीं था, डिस्टर्ब करने का एक तरीका था। तो स्पीड कितनी हो गई, 144 km/h। इसको आपको करना क्या है कि मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर लेना है तो काम आसान हो जाएगा। और फिर टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें पता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड निकालेंगे तो सीधे सीधे टाइम का पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं कि 5/18 से गुना कर देते हैं तो हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। यहां पर ही 5/18 से इसको गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सीधे ये 8 बार में चला गया तो ये हो गया 40 मीटर/s। ये आ गई मीटर पर सेकंड में स्पीड। टोटल लेंथ कितना कवर करना है, तो 250 मीटर पुल, और ट्रेन की अपनी टोटल लेंथ है 150 मीटर बाई 40, यानी कि 400/40, मतलब हो गया कि 10 सेकंड में ये पार कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 22 का, ऑप्शन डी 10 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, यानी प्राइम नंबर्स कितने आते हैं 1 से लेके 50 के बीच में। तो देखिए 1 जो नंबर है ना, ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये कोई भी नंबर नहीं है। 2 जो है पहला प्राइम है, 3 जो है दूसरा प्राइम है, इस तरीके से 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ओके, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, यही वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। और इनकी टोटल संख्या कितनी है, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं अभीष्ट भी कहते हैं, टोटल 15 है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, यदि एक्स का मान दिया गया है -2/3
तो 9x² - 3x - 11 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इन चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, सीधे वैल्यू पुट करके आंसर ला लीजिए। 9 × -2/3² - 3 × -2/3 - 11। ओके, तो ये देखिए ये माइनस है और इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 9 × 4/9 माइनस, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, क्या हो गया ये 6/3 - 11। यानी कि अब हम आगे देखते हैं तो ये हो गया 4 + 2 - 11, यानी कि हो गया 6 - 11 = 5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, -5, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, और यहाँ कहा गया है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है। अब ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हर बार बीपीएससी पूछता ही है। 66% हिंदी तथा 59% हिस्ट्री लेते हैं, तो कुल उम्मीदवारों की अगर संख्या 3000 थी तो कितने उम्मीदवार थे जो हिंदी और इतिहास दोनों लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन वाला जो तरीका है। तो देखिए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप नंबर निकाल लीजिए ना, यही बात बताई गई है ना। ओके, यदि हमने इस तरीके से ले लिया है कि ये ए जो है ये हिंदी वाले हैं और जो बी है वो हिस्ट्री वाले हैं, तो ए का संख्या कितना हो गया, कहा गया है ना कि ये 66% है, तो 3000 × 66/100 यही हो गया, ये दोनों कट जाता है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1980। अब यही बात कहा गया हिस्ट्री वालों के लिए कि 59% है, ये कितना हो जाएगा बताएंगे, आप भी कैलकुलेट करिए साथ में, ये होगा 1770, ये फिगर आ जाता है। अब आपको निकालना है इंटरसेक्शन का वैल्यू, और आप फॉर्मूला जानते हैं इस तरीके से कि ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3000 = 1980 + 1770, ये माइनस होगा, ओके माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, चलिए अब क्या हो जाएगा, ये दोनों सम होके इधर आ जा रहा है ना, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 750। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, रीचेक कर लेना जरूरी है आपका भी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी, यानी 750। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ एक्स की वैल्यू दी गई है, तो सीधे आपसे ये कैलकुलेशन करके पूछा गया है कि एक्स का मान कितना होगा। ओके, तो ये इस तरीके से अंडर रूट लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि इसका पावर है 1/2, और ये देखिए टोटल कितने यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर है, 2, 4, 6, 8, और डिनोमिनेटर में कितने हैं, हर में 2, 4, 6, 8, यानी कि जब दोनों में इक्वल यहाँ पर ये पॉइंट के बाद नंबर है, डेसिमल के बाद नंबर की संख्या मतलब इक्वल है, तो क्या करेंगे हम यहाँ डेसिमल को हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ऊपर बच गया 1225 और नीचे हो गया 5329, और इसका पावर हम सीधे 1/2 ले लेते हैं। ओके, यानी कि अंडर रूट 1225/√5329। अब ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि ये जो 1225 है ये 35 का स्क्वायर होता है, और ये जो 5329 है ये 73 का स्क्वायर है। ओके, तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर काफी इजीली मिल जाता है ऑप्शन ए। अगर नहीं भी मिलता है ना, यहां पर भी आप आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि कितना होना चाहिए, तो एक लमसम आइडिया से लेके एक दो भी ऑप्शन आप अगर मल्टीप्लाई करके देख लें, बहुत समय होता है, तो यहां अगर आप स्क्वायर नहीं भी निकाल पाते हैं कि ये कितने का स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर कितने का है, तो कोई बात नहीं, काफी समय होता है, मल्टीप्लाई करके इजिली आप आंसर निकाल सकते हैं। 26 का सही जवाब ऑप्शन ए। 27 नंबर सवाल पर आते हैं कि यदि एक्स प्लस 1/y = 1 और y + 1/z = 1, तब z + 1/x का वैल्यू कितना होगा। ओके, तो इन तरीके के चीजों को अगर आप क्या करिए कि पहले लिखते चले जाइए, x + 1/y = 1, इसका ये मतलब हुआ कि 1 - x = 1/y,
इसलिए y का मतलब क्या हो गया, अगर आप कहें तो ये उलट जाएगा ना, 1/1 - x। ये चीज तो आप y के टर्म्स में x का वैल्यू पा लिए या x के टर्म्स में y का वैल्यू, दोनों सही है। इसी तरीके से y प्लस 1/z इक्वल टू 1 लिखा गया था, तो आप कह सकते हैं कि जो z है इसका मतलब हो गया 1/1 - y। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लिए इसको भी। अब आपके पास अगला काम ये करना है कि आप इस वैल्यू को, अब ये जो y है यहां पर, इसको इस टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए ये भी काम हम कर लेते हैं, तो मैं ऐसे लिख देते हैं कि जेड इज इक्वल टू 1/1 - 1/1 - x, ऐसे लिख दिए। यानी कि चलिए अब यहां पर क्या है कि कॉमन ले लेते हैं वहां पे 1 - x को, अब आसान हो गया ना, 1 - x - 1। अब ये 1 1 कट गया और यहां पर ये चीज टर्म बच गया, -x/1 - x। ओके, तो अब हम इस टर्म को ऊपर लेके आ गए यहां पे, तो क्या हो गया, यहां पे लिखते हैं इस साइड में, ध्यान दीजिएगा, 1 - x/-x, यही चीज है ना। यानी कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -1/x + 1, यही आएगा ना। या इसको थोड़े अच्छे से लिख लेंगे तो 1 - 1/x लिखेंगे, जो कि बराबर है जेड के, यही है ना जेड, ठीक है। अब आप इस तरीके से जो पूछा गया है उसका जवाब दे देंगे कि जेड z + 1/x = 1, यही चीज पूछा गया था ना, z + 1/x, और उसका मान कितना आ गया, 1। तो 27 का सही जवाब ऑप्शन बी। 28 नंबर सवाल कि चार बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करनी है। आसान सवाल है, अगर चार बहनें हैं और उनका एवरेज एज 7 ईयर्स है, तो उनका टोटल एज कितना हो गया, ये हो गया टोटल 28 ईयर्स। अगर माँ को भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर हो जाता है 5, और उनका एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाता है, तो औसत जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है एवरेज, यानी जो टोटल एवरेज है वो 7 + 6 हो जाती है, 7 + 6, यानी कि ये 13 हो जाती है। तो टोटल एज यहां पर कितनी हो गई, ये सम 65, ये चार बहनों का एज है और ये चार बहनों का एज मम्मी के साथ ऐड करके है, यानी 65 - 28 आप कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वही तो माँ की एज हो जाएगी ना यहाँ पे, तो ये हो गई 37 ईयर्स। यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, यहां पूछा गया है कि 3 x + 8 = 27 2x + 1, तो x का वैल्यू निकालना है। ये हर बार बीपीएससी ऐसा सवाल पूछता है, और आप जानते हैं कि ये 3 और 27 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 27 का मतलब होता है 3 का पावर 3, तो चलिए अब 27 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 का पावर 3, और फिर ऐसे 2x + 3 कर देते हैं, सॉरी 2x + 1 इज इक्वल टू 3 का पावर x + 8। अब ये दोनों का बेस तो सेम है, हटा दीजिए, तो 6x + 3 इज इक्वल टू x + 8, इसलिए आप देख रहे हैं कि 5x = 5 और x का वैल्यू आ गया 1, जो कि पूछा गया है। तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, यदि s यानी कि समेशन पूछा जा रहा है और ये साइन हो गया ऐड करने के लिए, सिग्मा 10 तक लेना है, 2n+, और इस तरीके से ये 1/2 है, यहाँ पर आप देख लीजिए जो हिंदी में मिसिंग है, यानी उसको इंग्लिश वाला टर्म सही माना जाता है ऐसे भी, तो s का वैल्यू कितना होगा। ये 65वीं में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, मतलब यही हुआ ना कि आप एक बार n का मतलब हो गया कि एक बार वैल्यू 1 लीजिए, एक बार 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4, ऐसे 10 तक लीजिए, और हर बार ये 1/2 तो कॉमन ही है ना, मतलब 10 बार 1/2 अलग है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 × 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे 10 तक है, यही आपसे पूछा गया है, फाइनल वैल्यू पूछा गया है। तो इसका मान तो खुद ब खुद कितना हो गया, ये 5 हो गया ना, ये 5, इसको अलग कर देते हैं और हमें इसको कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं कि जब ऐसे टर्म्स दिए जाते हैं लगातार, तो उनका सम होता है n × n+1/2, लेकिन यहां पर एक 2 यहां एक्स्ट्रा भी तो है ना, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 2 कट गया, यानी n का मतलब कितना हो गया यहां पे, 10, तो 10 × 11 = 110, और 110 में ये 5 जुड़ गया,
तो 115 इसका सही जवाब आएगा। कहां दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो गया इसका। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। साइंस शुरू हो जाता है यहां पर और पूछा गया है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, ना कि एसिडिक ना ही बेसिक। तो प्योर वाटर यहां लिखा भी हुआ है, प्योर वाटर जो है शुद्ध पानी, उसका पीएच मान हो गया 7। ओके, लेकिन साथ ही अगर कोई चीज न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच मान भी 7 होगा, यानी कि बी भी ऑप्शन सही है, ए भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई, यानी मोर देन 1 इज करेक्ट। अब यहां लोग क्या बेवकूफी कर बैठे, प्योर वाटर पढ़े बिना आगे सोचे ई मार के बढ़ गए, बहुतों का गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पीरियोडिक टेबल को देखिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को आपको यूज करना है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तांबा यानी कि कॉपर। आप जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तांबा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और हाइड्रोजन ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है, ये उसका सिंबल है, ये किस चीज की यूनिट है, वेवलेंथ की या एनर्जी की या फ्रीक्वेंसी की या वेलोसिटी की। सही जवाब आपको बताना है, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 34, यहां कहा गया है कि आवृत्ति को नापा जाता है, मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, किस चीज में फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, हर्ट्ज में या मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या वॉट में। ये क्वेश्चन 65 में भी रिपीट हुआ था, अलग फॉर्म में सवाल यही था, हर्ट्ज वहां पर पूछ दिया गया था, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी जा रही है, और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। ठीक है, यानी कोई प्रक्रिया यूनिट टाइम में कितनी बार रिपीट होती है वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कि डीएनए की खोज किसने की। अब ये अच्छा मजेदार सवाल पूछा गया था, और यहां पर चार अलग अलग साइंटिस्ट के नाम दिए गए, या पांच भी दिए गए हैं, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जेरोजर मेंडल, जोहानसेन और हर गोविंद खुराना साहब, और ऑप्शन ई है एक से अधिक। तो देखिए, यहाँ डीएनए के डिस्कवरी में इन सब का कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति को नहीं डेडिकेट किया गया है, बल्कि इसका करेक्ट आंसर ई लिया गया, मोर देन 1 इज करेक्ट। ओके, अब अगर आप इसे को सेपरेटली समझना चाहें तो आप बता सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन था, दूसरे का क्या कंट्रीब्यूशन था। और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक चीज होता है आरएनए, उसका मतलब होता है री राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और डीएनए एक तरीके से वो ऐसा काम करता है कि जो जेनेटिक मेटेरियल को ट्रांसफर करने में काम करता है। ओके, और आरएनए जो है, ये आरएनए वायरस में पाया जाता है, लेकिन उसमें डीएनए लैकिंग होता है, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। डीएनए एक तरीके से कह लें कि एक एसिडिक सब्सटेंस है, और इसको सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक, जो ये मैनचेस्टर हैं, उन्होंने इस तरीके से उसको डिटेक्ट किया था, और उसका उन्होंने नाम न्यूक्लियन दिया था, और जो उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये मॉडल डीएनए का 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजा गया। करेक्ट आंसर इसका ई लिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, प्रोटीन है, वसा यानी फैट है, हाइड्रो यहाँ ये कार्बोहाइड्रेट है, या फिर खनिज है यानी मिनरल्स है। सोच के आपको सही जवाब देना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि ये एक तरीके का फैट है, वसा है। अब ये लोग सोचेंगे कि ये चीनी वगैरह को सैकेराइड्स कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स, तो वैसी चीजें ये नहीं है, नाम मैच कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बल्कि एक तरीके का फैट है या तेल है आप कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि ये तीन मोलिक्यूल्स तक से बना होता है फैटी एसिड्स के, और विच आर बाउंड टू वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ओके, बस इतना जानना काफी है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं कि जो ईईजी है, ये किस चीज के मॉनिटरिंग में काम आता है, और ऑप्शन दिए गए हैं हृदय, लीवर, अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज, या फिर ब्रेन। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर भी नजर आ रही है कि एक व्यक्ति के
सिर में इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, और जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये ईईजी का यही स्ट्रक्चर है, यानी कि इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन पर रीडिंग उसकी मॉनिटर की जा रही है, तो ये रिलेटेड है मस्तिष्क से, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 पर, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, यानी इनमें से कौन सा वो ग्लैंड है जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। अब यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं और पांचवा तो सब में कॉमन होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पहला है ऑप्शन ए थैलेमस, दूसरा है ऑप्शन हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरेबेलम और चौथा है मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा की बात की जा रही है। तो आपको डिसाइड करना है और सही जवाब बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी हाइपोथैलेमस। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और आप देखेंगे ये जो रीजन है यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है और यही तापक्रम रेगुलेट करने का काम करता है हमारे बॉडी का। तो जो हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है दिमाग के ही एक हिस्से से जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ये चेक करते रहता है कि करेंट टेम्परेचर कितना है और उसको नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का जो कि अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये फिक्स नहीं होता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ये एक एवरेज माना गया है। ओके, तो इसके बराबर रखने का कोशिश करता है, और यही एक बहुत बड़ा अंतर है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, जबकि कोल्ड ब्लडेड का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। ओके, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से उनका टेम्परेचर चेंज होते रहता है। चलिए, इतनी जानकारी काफी है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है यानी सही कथन को चुनना है। यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स हैं और पांचवा एज यूजुअल कॉमन है। पहला है कि जो वेवलेंथ है यानी कि जो तरंग दैर्ध्य है रेड लाइट की वो कम होती है वायलेट लाइट से। दूसरा है कि वेवलेंथ जो है रेड की वो ज्यादा होती है वायलेट से। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो तरंग दैर्ध्य है बैंगनी यानी कि वायलेट लाइट का वो ग्रीन से ज्यादा होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि जो वेवलेंथ है वायलेट लाइट का वो ज्यादा होता है येलो लाइट से। ये एक सिंपल सवाल है, अगर आपके पास इस चीज की कंसेप्ट है, आप अगर सही से उसके वेवलेंथ को समझते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक पूरा इमेज नजर आ रहा है जहां पर कि इनका वेवलेंथ दिखाया गया है। ओके, तो आप देखेंगे कि जो ये अल्ट्रावायलेट की तरफ है यानी कि जो बैंगनी के तरफ का जो वेवलेंथ है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 400 नैनोमीटर्स लिखा हुआ है, जबकि जो इंफ्रा रेड की तरफ है रेड जो है उसका 700 नैनोमीटर्स लिखा हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है इस ऑप्शन पर कौन सही बैठ रहा है, और आप देखेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यानी यहाँ लाल है दिख रहा है और ये 700 नैनोमीटर है और बैंगनी यहाँ पर है जो कि 400 नैनोमीटर है। बिल्कुल बात सही है, और पहला स्टेटमेंट तो जस्ट इसका उल्टा था, वो गलत हो गया। तीसरा कहता है कि बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, नहीं देखिए बैंगनी सबसे कम है तो ये तो हो नहीं सकता है, तीसरा भी गलत है। और चौथा कहता है कि बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा होता है, नहीं बैंगनी का सबसे कम है ना, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया 39 का ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं, और कहा जा रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेनहाइट स्केल में कितना होगा। ये हर बार बीपीएससी टेम्परेचर पर एक क्वेश्चन पूछता है, और इसके लिए एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला है C/5 इजकल टू F-32/9, और इस पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए दो दिया जो भी दिया गया है, जैसे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 40/5 इजकल टू F-32/9। अब ये 8 हो गया ना, और 9 8 72 होता है, तो 72 प्लस इधर आ गया 32, ये इजकल टू एफ, तो ये कितना हो जाएगा, 72 में 32 जोड़िएगा तो 104 हो जाएगा, और यही इसका मान हो जाएगा। यानी 40 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 104 डिग्री फॉरेनहाइट इसका सही जवाब हो गया। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, और यहां कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, आपसे यूनिट पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक पावर का। ये भी क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में रिपीट हो चुका है, और आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा बीपीएससी में देखेंगे कि रिपीट होते रहता है। ओके, अब यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वॉट, और यहां पर आप समझेंगे कि
इसकी सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आप जब इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरीके से खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो पूछते हैं कि कितने वॉट का है, यानी कितना पावर कंज्यूम करता है। जनरली आप ऐसे बल्ब को देखते हैं कि 100 वॉट का होता है, और जो सबसे छोटी बल्ब होती है, जो कई लोग रात में सोते टाइम जलाते हैं, तो वो कहते हैं कि 0 वॉट का होता है, लेकिन वैसा नहीं है, वो 5 वॉट का करीब बल्ब होता है। यानी कि अगर वो ये वाली बल्ब है, अगर 100 वॉट वाली, अगर ये 10 घंटे जलाई जाए, तो ये टोटल जो है ना 1000 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि 1 किलो वॉट की एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसको एक यूनिट एनर्जी कहते हैं। और इसी का जो भी रेट होता है 3 से 5 या 8 रुपए, ये चीज है। तो अब ये पावर कंजम्पशन घटाने के लिए ही हम लोग CFL और LED के बल्ब का यूज करने लगे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, और ये इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर के बारे में बोला जा रहा है। ये मीटर नहीं, मोटर है। ओके, मो है, मोटर। क्या काम करता है? तो देखिए, एक आप जब भी पढ़ते हैं हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह, कि उसमें टरबाइन होता है, टरबाइन घूमता है, उसमें डायनेमो जुड़ा होता है, तो वो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर क्या है कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जिसे ये सीलिंग फैन या टेबल फैन या बहुत तरीके के और उपकरण घूमने का काम करते हैं, जिनमें मोटर लगा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और ये भी सवाल बीपीएससी का फेवरेट है। बीपीएससी कई बार ऐसे सवाल घुमा घुमा के पूछ लेता है, कभी जनरेटर से रिलेटेड, कभी मोटर से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, 43। यहां कहा जा रहा है कि मानव शरीर में पानी का कंटेंट कितना होता है? ओके, नियरली या अबाउट 70%, करीब 70%, या 20 से 30%, या 10 से 20%, या 30 से 40%, या ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब आपको इसका सही जवाब सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आप वक्त लीजिए, और सोचना जरूरी भी है। ओके, तो देखिए मैं बताता चलूं आपको कि जो मानव का शरीर होता है वो बहुत चीज पर डिपेंड करता है। ओके, देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा वेरी करता है एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लेकिन औसतन यही देखा जाए कि नियरली 60 से 70% जो है ना, वो पाया जाता है बॉडी में कंटेंट है, फ्लूइड है, वाटर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी लगभग 70% पानी हमारे शरीर में पाया जाता है। वो हर फॉर्म में है। आप देखेंगे कि जो भी हमारी सेल्स हैं, जो काम कर रही हैं, तो ये इंटरसेलुलर फ्लूइड में है, ब्लड में है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, हर जगह वाटर तो प्रेजेंट है ही। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन 65 में भी रिपीट हुआ था, कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, नापी जाती है? द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट इज। अब देखिए यहां पर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, तो उसके लिए वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यहाँ अमीटर यूज किया जाता है। ये देखिए, यही दोनों में डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे अपने घर में भी, तो जो अमीटर होगा उसमें ए लिखा होता है, और वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है। यहाँ पूछा जा रहा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी अमीटर। ओके, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं, कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यानी मेन कंपोनेंट क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेज का, ये पूछा गया है। अब ये बीपीएससी का बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, और बीपीएससी इसमें अपने हिसाब से आंसर लेता है। यही काम उस 64th में भी किया था, और 65th में भी। तो ये क्वेश्चन देखिए, मेन कंपोनेंट लिखा हुआ है, यहाँ प्लूरल में तो पूछा नहीं था इन्होंने, ठीक है। तो वैसे आप देखें कि जो ग्रीन हाउस गैस है, उसका 76% तो अकेले कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ई लिया था, यानी एक से अधिक, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उसमें वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब कुछ होते हैं, और यही मुख्य घटक लेकर बीपीएससी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई माना है, 64वीं में भी और 65वीं में भी। आगे अगर आता है तो आप भी ऑप्शन ई ही लगाना। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को आप जानते हैं, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो धरती पर आए हैं, पैदा हुए हैं, उनमें से ये एक हैं, लेकिन इनको किस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, ये पूछा गया है। क्या रिलेटिविटी, यानी
आपेक्षिकता के लिए, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन मॉडल के लिए, या फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी कि सहती एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक बात के लिए। बहुत सारे लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कठिन हो जाता है। क्योंकि जनरली लोग नहीं जानते हैं, और जिस बात के लिए लोग आइंस्टीन को जानते हैं उस बात के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो इनको मिला है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर हिज सर्विस टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये बेस्ट जाने जाते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस के फॉर्मूला यानी E इक्वल टू MC स्क्वायर के लिए। लेकिन इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज 1921 में मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 47 कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं। ऑप्शन है सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी नाभिका, जो केंद्र में होता है, केंद्र। यहां पर क्या सही जवाब होगा आपको सोचना है, और सही जवाब आप सोचिए, जवाब दीजिए। आसान सवाल है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन कहने का मतलब क्लास 8, 9, 10 में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये कहलाता है पावर हाउस ऑफ सेल। जब हम 65th का डिस्कशन कर रहे थे या करेंगे, तो आपको वहां पे सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन मिलेगा। वहां वो क्लोरोप्लास्ट वगैरह से रिलेटेड पूछा गया था, हालांकि वहां पर भी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया का इन्होंने दिया है, यानी सेल से क्वेश्चन तो ये पूछते ही है। क्वेश्चन नंबर 48 कि एड्स किसके वजह से होता है, निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, यानी उसका वो पूछ रहे हैं कि कौन सा जर्म इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, या क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है। जैसे वाटर, क्या वाटर से एड्स फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है क्या, वायरस से फैलता है क्या, या फंगस से, कैसे फैलता है एड्स आपको बताना है। और इस तरीके से आप सही आंसर जानते हैं कि ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। तो 48 का सही जवाब ऑप्शन सी, और वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, जबकि बैक्टीरिया को कहते हैं जीवाणु। तो एड्स है ये वायरस से फैलता है। अब आप एक सूची तैयार करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं वो किस वजह से होती हैं, क्या विषाणु से होती हैं, जीवाणु से होती हैं, फफूंद से होती हैं, थोड़ा पता होना चाहिए। और ऐसा सवाल हर बार बीपीएससी पूछ रहा है, 2 बार एड्स के बारे में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का माप किस चीज से किया जाता है, यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर या लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता मापते हैं ना। यहां देखिए, ये हाइड्रो और ये हाइग्रो लिखा गया है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ये हाइग्रोमीटर आपके सामने नजर आ रहा है, और उसी से मापते हैं कि नमी कितना है हवा में, आर्द्रता कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है यही हाइग्रोमीटर है। इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं चाहिए, इतना जानकारी काफी है। दाब, दाब की ये जो इकाई वाली सवाल है ये भी बीपीएससी रिपीट कर चुका है, और यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या न्यूटन मीटर या न्यूटन या फिर न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी आप कितना प्रेशर अपना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वही ना होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और एरिया के लिए स्क्वायर मीटर, यही इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी खास एरिया में, क्षेत्रफल में कितना दाब पड़ रहा है, ये कितना आप उस पर दबाव बना रहे हैं, यही तो पूछा गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, और यहाँ कहा गया है कि अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश के त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमण मेड अ 3 डे विजिट टू विच नेशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2018।
तो ऐसे सवाल आपको समझ आने चाहिए। अभी आपके रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, किन किन देशों के दौरा पर राष्ट्रपति जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। इंडिया किन किन देशों के साथ कौन से एग्रीमेंट साइन कर रहा है, कोमकासा, लेमुआ, या ऐसे जो भी अग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं दुनिया भर में, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन और चीन। हालांकि उस समय के करेंट्स का क्वेश्चन है, आज इसका कोई अहमियत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। अक्टूबर 2018 में निम्न में से किस देश की संसद ने ऑंग सॉन सू की से मानद नागरिकता वापस ले ली, यानी कि किसी देश ने ऑंग सॉन सू की, जो कि ये इनकी पार्टी वापिस से म्यांमार में जीती है, तो ये ऑंग सॉन सू की ये नोबेल प्राइज विनर भी हैं, तो इनको किसी देश ने हॉनररी सिटीजनशिप दिया था, लेकिन जिस तरीके से वहां के रोहिंग्यों पर जुल्म ढाया गया, इसको देखते हुए इनको काफी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, और इनकी जो वो अवार्ड दी गई थी वो भी वापस ले ली गई, ये हॉनररी सिटीजनशिप जो अवार्ड की गई थी। तो ये हॉनररी सिटीजन छीनने वाला कौन सा देश है, यूएसए या यूनाइटेड किंगडम या नॉर्वे या कैनेडा, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं, 53। निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? नाफ्टा का मतलब तो पहले पता होना चाहिए ना, तब हम आगे बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी जो अटलांटिक ओशन है, इसके अगल बगल के ही देश इसमें आएंगे जो इसके मेंबर होंगे, और ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, या नॉट पूछा गया है, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको और यूएस में से आपको सही जवाब बताना है, या ऑप्शन ई है, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ग्रेट ब्रिटेन जो है ये नाफ्टा का सदस्य नहीं है। नाफ्टा के बारे में पता, अगर आपको मैं जानकारी दे दूं थोड़ी जानकारी, तो इसके मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है, और ये जनवरी 1, 1994 को इफेक्ट में आया था। बात मतलब 2018 के सितंबर की है, जब यूएस, मैक्सिको और कनाडा एक अग्रीमेंट पर आते हैं कि वो रिप्लेस कर देंगे नाफ्टा को विथ यूएसए मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, यानी उसका नाम बदल के वो यूएसएमसीए कर देंगे। ओके, इस वजह से ये न्यूज में रहा था। चलिए, इतना जानकारी काफी है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौता हस्ताक्षर किया? विथ विच नेशन इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट मोबिलाइज योर सिटी इन सितंबर 18। अब ये उस समय के करेंट्स का क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं ऑप्शन बताता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 55। अगस्त 2018 में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, अब ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? ये उस समय का करेंट्स हो गया, और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, या इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मॉरिशस। भाषा वगैरह पर भी बीपीएससी के सवाल आए हैं, और ये खरोष्टी के बारे में पूछ चुके हैं, लिखा दाहिने से बाएं जाता है, बाएं से दाहिने, ऐसा सवाल था। अपार्ट फ्रॉम दिस, साइन डिक्शनरी पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लेटेस्ट साइन डिक्शनरी है उसका वो कौन सा संस्करण है, यानी ऐसे चीजों पर बीपीएससी का ध्यान है, निगाह है, आपको भी निगाह रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56। अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया, यानी विच नेशन इनेक्टेड ह्यूमन ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन लॉ फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडियन ओरिजिन इन अगस्त 2018। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सिंगापुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी यूनाइटेड किंगडम। अब ये उस समय के करेंट्स हैं, तो अभी चर्चा करने का विशेष कोई फायदा है नहीं। सवाल नंबर 57। यहाँ पूछा गया था कि 2017 में संपन्न राष्ट्रीय चुनाव में ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है इमरसन मनगवा, अगर मैं सही ढंग से इन्हें प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, तो ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे?
यानी कि आप इस सवाल से ये समझ सकते हैं कि ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो ये मंगनवा साहब जो है ये जिम्बाब्वे के राष्ट्राध्यक्ष चुने गए। तो 57 का सही जवाब ऑप्शन सी। अगर आप जिम्बाब्वे देखना चाहते हैं तो यहां पर ये देश है जिम्बाब्वे और इसकी राजधानी है हरारे। क्वेश्चन नंबर 58 कि किस देश में विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल 20 जुलाई 2018 को समाप्त किया गया। काफी चर्चित था ये न्यूज क्योंकि 2 साल से लगा, अगर कहीं पर इमरजेंसी हटता है तो इम्पोर्टेंट है। और इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। ओके, तुर्की आप जानते हैं, तुर्की जो है इसको सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहते हैं और आजकल ये काफी चर्चाओं में रहता है अपने कुछ कम्युनल मतलब जो ये इस तरीके के वहां पर डिसीजंस लिए जा रहे हैं इनके वजह से। क्वेश्चन नंबर 59 जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया। यानी ये भी एक इमरजेंसी का ही सवाल था आपातकाल, और ये भी इमरजेंसी का ही सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू पोलियो आउटब्रेक इन जून 2018। पापुआ न्यू गिनी या फिजी या फिलीपींस या माली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पापुआ न्यू गिनिया। ओके, पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं इसको। और ये पोलियो से बहुत कम ही देश जो है अभी प्रभावित हैं, बाकी जगहों पर इस पर कंट्रोल पाया जा चुका है। भारत करीब करीब पोलियो मुक्त हो चुका है, जिसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन का सिस्टम लाया गया था। ये एक वायरस से फैलने वाला बीमारी है, भले ही ये हाथ पैर को नुकसान पहुंचाता है लेकिन ये नर्वस सिस्टम का बीमारी है, ये पता रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं और ये भी करेंट्स का क्वेश्चन है कि 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता। तो ये क्रिकेट इंथुजियास्ट के लिए तो काफी आसान सवाल है, सभी इसका जवाब जानते हैं, 7वीं बार। तो ये आईपीएल वगैरह हो रहे हैं तो आखिरी आईपीएल कौन जीता, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, आईपीएल कितने बार हुए थे, पहला कब हुआ था, विदेश में कब कब हुआ है, ये थोड़ा डेटा तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस बार कोविड के वजह से इंडिया के अंदर आईपीएल नहीं खेला गया, इसके लिए भारत के बाहर का डेस्टिनेशन चुना गया था। और इस तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर तो पूरी टैली पूछ दी गई थी, मेडल की लिस्ट पूछ दी गई थी कि 18th यानी 18वें एशियाई खेल 2018 में, मतलब जो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में हुआ था, तो भारत ने टोटल कितने इसमें अवार्ड्स जो है वो बैग किए थे, मेडल्स कितने बैग किए, पूछ दिया गया कि टैली आपको बताना है, सोना कितना, चांदी कितना, कांस्य कितना और कुल पदक कितना। तो कुल पदक की लिस्ट तो एकदम बराबर दी गई थी, यानी इससे कोई डिसीजन नहीं लेना था। सोना का भी नंबर फिक्स दिया गया है, यानी इससे भी आप डिसाइड नहीं कर सकते थे। चांदी और कांस्य, यानी आप इतनी छोटी बारीकियों को अगर याद रखते हैं तब आप बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, ये बात बीपीएससी बताना चाह रहा था। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी 15 सोना था, चांदी के 24 और 30 कांस्य के, और सब मिला के हो गए 69। क्वेश्चन नंबर 62, अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है। यानी पहली इंडियन एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी जिसने बायोफ्यूल का यूज किया ATF के रूप में, यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के रूप में। जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर इंडिया या स्पाइस जेट। ये काफी न्यूज में रहा था और ये क्वेश्चन आना लाजमी था, इसका करेक्ट आंसर स्पाइस जेट है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं, ये भी करेंट्स का क्वेश्चन कि जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है। यानी इसके लिए कितना वर्ल्ड बैंक के तरफ से एक अमाउंट जो है ग्रांट के रूप में अप्रूव किया गया। 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़ या 8,000 करोड़। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 6,000 करोड़। तो जो भी इस तरीके के ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, सॉफ्ट लोन मिलते हैं, थोड़ा पता होना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले, ब्रिक्स बैंक से मिले, IMF से अगर रिलेटेड कोई स्कीम है, उन या उनकी कोई अगर रिपोर्ट आती है, सब न्यूज में रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर मेनी ईयर्स वॉज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कहा गया है कि लगातार कितने वर्षों
से अगर सही ढंग से बारिश ना होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, ये आईआईटी खड़गपुर के एक रिपोर्ट से पता चलता है, एक अध्ययन दल ने ऐसा कहा था। तो ये बताना है आपको कि 600 साल, 700, 800 या 900 साल। अब ऐसे सवालों का मुझे बहुत ज्यादा अहमियत नहीं समझ आता है। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, 900 ईयर्स की ये बात है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है कि फेब 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत है। देखिए आप अब इन चीजों पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट और कभी कभी ट्री कवर पूछ दिया जाता है, तो ऐसे चीजों में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो आपको देखते रहने पड़ेंगे इसके लिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके 65 और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया, 24.40%। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं कि जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्ष के साथ मानवीय रिश्ता यानी भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की। यानी कि इन जनवरी 2018 विच इंडियन स्टेट अलाउड पीपुल टू एस्टेब्लिश अ ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन विथ ट्रीज, यानी कि आप भाई बहन के तौर पर एक पेड़ को अपनाइए, उसकी मतलब सेहत का ध्यान रखिए ताकि आप एफॉरेस्टेशन में ग्रीनरी लाने में नेशन को कंट्रीब्यूट करें एक तरीके से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 67 ये भी करेंट्स का क्वेश्चन कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण ये जो सर्वे है में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सर्वेज के रिपोर्ट्स टॉप टॉप के बाद बॉटम, इंडिया में कौन रहा, बिहार में कौन रहा, अब जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण है इस बार का लेटेस्ट रिपोर्ट है, इस बार बिहार में पटना की क्या स्टेटस है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 1 से 10 लाख तक, सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सतारा महाराष्ट्र। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, नागरिक क्षेत्र की नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं कि सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया। और ऑप्शन दिए गए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो भारत में इतनी बड़ी आबादी है, कुछ भी अगर महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं सरकार की तो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर जाती हैं। और इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं हम अगले सवाल पर, और क्वेश्चन नंबर 69 है, ये भी करेंट का क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्था ने देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया था। काफी न्यूज में रहा था और हर एक मैगजीन बड़े से लेके छोटे सबने इसे कवर किया था। और इसका करेक्ट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी, वडोदरा, गुजरात। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 70, ये पूछा गया था कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है जीमेक्स 2018, इसका संबंध किसके साथ है, यानी ये किन किन देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। तो करेंट अफेयर में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालावार हुआ तो कहाँ हुआ, किन किन देशों ने पार्टिसिपेट किया, या और भी जैसे बहुत हैं जो कि हर बार ही पूछ लिए जाते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया का किस देश के साथ होता है, ऐसे चीजों पर फोकस होना चाहिए। और जीमेक्स का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जापान भारत की नौसेनाओं के युद्ध अभ्यास से। ओके यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मैरीटाइम, ईएक्स से एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, मैरीटाइम हुई। ओके क्वेश्चन नंबर 71, ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी डिलीट कर दिया था, यानी हटा दिया गया, इसका इवेल्युएशन नहीं किया गया। क्वेश्चन ये था कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु स्पेल जो है ना, अब देखिए उस समय न्यूज में दो तरीके के एक्रोनिम चल रहे थे, एक है VAYU और एक WAYU। तो बीपीएससी जो पूछा था वो WAYU पूछा था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में। तो ये जो इंस्टॉल किया गया सितंबर 2018 में वो किस शहर में, इस तरीके से ऑप्शंस थे चेन्नई, अमृतसर, दिल्ली और वाराणसी, लेकिन बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, कहा कि इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि
कि हाँ यह कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, तो न्यू दिल्ली में जो मुबारका चौक है वहां की ये न्यूज थी। हालांकि क्वेश्चन डिलीट हो गया, बात ओवर। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं, और यहाँ बात हो रही है बिहार के करेंट अफेयर की, कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार लॉन्च्ड मोर देन 750 डेवलपमेंट स्कीम्स एट बेगूसराय एंड खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑन 6 जनवरी 2018। विकास यात्रा के तहत, या विकास सर्वेक्षण यात्रा के तहत, या नव सृजन योजना 2018 के तहत, या विकास समीक्षा यात्रा के तहत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विकास समीक्षा योजना के तहत, विकास समीक्षा यात्रा के तहत ये जो भी स्कीम्स हैं उनका शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 73, 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी, हालांकि श्री सुशील मोदी जी इस बार के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनके जगह पर इस बार दो लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप उनके एंसर्स को सर्च करें और कम्युनिटी ऑप्शंस में पोस्ट करने का काम करें, लोगों के साथ करेंट अफेयर में डिस्कशन इस तरीके से करते रहिए। ओके, तो श्री सुशील मोदी जी ने विकास बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया, और ऑप्शंस दिए गए मोतिहारी, मुंगेर, पटना या आरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 74, कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें यानी 106th स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया, यानी कि ऑन 22 मार्च 2018 हु अनवेल्ड द बुक नील के धब्बे ऑन द ओकेजन ऑफ 106th बिहार डे इन पटना। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन। अब ये 2018 के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 75 और आज का आखिरी सवाल, यहां पर पूछता है कि मध्यपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है, यानी कि जो क्या कैपेसिटी है इंडिया के मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का, जो कि बना है मध्यपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं, 9,000 हॉर्स पावर, 10,000 हॉर्स पावर, 11,000 हॉर्स पावर या 12,000 हॉर्स पावर। तो बिहार से रिलेटेड ये न्यूज है, क्योंकि बिहार के लोग मध्यपुरा में लोकोमोटिव इंजन ये तैयार किया गया है लोकोमोटिव फैक्ट्री में, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 12,000 हॉर्स पावर का ये तैयार किया गया था। अब मेरा आपसे सवाल है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76, कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छाग्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहां संबोधित किया, तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, जिसका आज कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आप समझ गए कि इस तरीके से अगर बिहार में प्रधानमंत्री का विजिट होता है और अगर कुछ इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, स्वच्छता से रिलेटेड है और महात्मा गांधी जी के पूरे हुए थे 150 ईयर्स, तो उनके ही कार्य क्षेत्र में, यानी मोतिहारी। करेक्ट आंसर हो गया 76 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, और यहां बात की जा रही है एनडीएमए। एनडीएमए का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, ने अप्रैल 2018 में CBRN इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया था। ये काफी चर्चित विषय था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है पटना में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, करेंट अफेयर बेस्ड है, आज कोई रेलेवेंस नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 4G सिग्नल की उपलब्धता से दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो टॉप 20 सिटीज में फर्स्ट रैंक पर कौन था, या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना का कौन सा पोजीशन है। तो अच्छी बात यह थी कि पटना का जो रैंक है ओवरऑल 1 था। करेक्ट आंसर 78 का ऑप्शन ए।
ठीक करेंट्स है, इसमें रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन 79 नंबर, इन विच सिटी ऑफ बिहार सुलभ इंटरनेशनल लॉन्च चीपेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट सुलभ जल। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 80 की मुख्य मतलब बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है। यहाँ पर टोटल चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पांचवा तो आप जानते ही, ऑप्शन ई जो होता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत है और उसको आपको बताना था कि क्या ये जो योजना है इसका वार्षिक व्यय 7221 करोड़ प्रस्तावित है। ये बात सही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण तीन विभागों द्वारा योजना का संचालन, ये भी सही है। लेकिन ये जो बात की गई थी कि जन्म से लेके उसके ग्रेजुएट होने तक किसी बच्ची के टोटल यहाँ पे 60,000 रुपया सरकार खर्च करेगी हर एक बच्ची पर, तो ये वाली जो बात है यहाँ पर वो गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 54,000 होता था। तो इस हिसाब से देखते हैं कि ये करेक्ट जो यहाँ पर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, तो सी जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किया जाता है रुपया, ये बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपको चले जाना है पाषाण काल में, तब इसका जवाब ढूंढिए, हड़प्पा में नहीं ढूंढना है, क्योंकि अर्लिएस्ट एविडेंस इंडिया का पूछा जा रहा है। अंजीरा से, दम सादात से, या किसी गुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से। ओके, इस तरीके से चीजों को सोचिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बात हो रही है मेहरगढ़ की। ओके, तो यहाँ पर मैंने जरा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है और आप इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमें ट्रेस मिलता है बार्ली के कल्टीवेशन का, वो करीब 7500 BC का प्रतीत होता है, यानी ये अर्लिएस्ट एविडेंस है। और यहाँ पर एविडेंस जो है डोमेस्टिकेशन के पता चले हैं कि लोग यहाँ पर भेड़ बकरी डोमेस्टिकेट करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई। तो देखिए ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है बीपीएससी में। तो आपको बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, जैन संगतियां कितनी और कहाँ कहाँ हुई हैं, हरेक का ऑर्गेनाइजर कौन था, उसमें प्रेसिडेंट कौन था, ये सब कुछ आपको याद रख लेना है। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके मृत्यु के जस्ट बाद जो राजगीर का राजा है अजात शत्रु, उसके द्वारा बौद्ध संगति कराई गई थी। ओके, और ये करीब बात हो रही है 400 BCE की। ठीक है, आप समझ गए किस बात, किस समय की बात हो रही है। इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो महाकश्यप जो थे ये प्रेसिडेंट थे, और राजगीर में जो सत्तपर्णी केव्स हैं वहां पर ये काउंसिल हुई थी। तो सत्तपर्णी केव्स के ऊपर भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है, यानी कि पहला बौद्ध काउंसिल, दूसरा, तीसरा, चौथा, हालांकि टोटल 6 हुए हैं अब तक, लेकिन आपको 4 जो हैं वो पता होने चाहिए। जो बाकी 2 हैं यानी 5th और 6th, वो म्यांमार में हुए हैं, अभी रिसेंट टाइम्स में हुए हैं, 100-200 साल पहले, उनका उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ नॉलेज के हिसाब से आप जान सकते हैं उन्हें भी। तो जो 4 काउंसिल हुई, एक जो पहली हुई वो राजगीर में हुई, दूसरी जो हुई वैशाली में हुई, तीसरी पटना में या पाटलिपुत्रा में, और चौथी जो हुई कश्मीर में हुई। जो पहली थी आजाद शत्रु के द्वारा कराई गई, महाकश्यप उसमें प्रेसिडेंट थे, दूसरा वैशाली में कालाशोक के द्वारा और वहां पे सब कामी प्रेसिडेंट थे, तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय में, अशोक मौर्य के समय में, और मोगलीपुत्र तीसा जो है वो प्रेसिडेंट थे, और चौथा जो हुआ कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, और वसुमित्र उसमें चेयरपर्सन थे। और आपको बताना है कि उसमें वाइस चेयरपर्सन कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप मुझे बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। Who among the following first issued gold coins on a large scale? पुष्पमति शुंग, मेनांडर, या फिर कडफिस, या गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी विमा गडफिस। ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें शायद ही कोई इंसान गलत करे। आप कोई भी बुक उठा लें या गाइड टाइप की भी बुक उठा लें, या फिर मैं तो कहता हूं कि अगर आप इस तरीके की बुक्स जो होती हैं जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल सीरीज एंशिएंट वगैरह की, वहां पर भी इन चीजों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि हाँ ये जो विमा कडफिस हैं जो कि कुषाण डायनेस्टी से आते हैं, इन्होंने सबसे पहली बार देखेंगे कि गोल्ड क्वाइन का अच्छा एक यूज किया है। और यहाँ पर उस समय जनरली कॉपर और सिल्वर के क्वाइंस यूज होते थे, ओके? और मैक्सिमम जो कडफिस के क्वाइंस हैं वहां पर आप देखेंगे कि बुद्धा का सिंबल यूज किया गया है और त्रिरत्न वगैरह जो है उनकी वहां पर मेंशन है। हालांकि अवर्स अगर देखें तो वहां पर शिव जी की मतलब कह लें कि उनसे रिलेटेड सिंबल्स वगैरह जो हैं जैसे कि नंदी है या नंदी पद जो है, ये सभी वहां प्रस्तुत किए गए हैं। और ये पता चलता है कि कहीं कहीं पर शिव जी के साथ बुल को दिखाया गया है, कहीं बिन बुल के दिखाया गया है, त्रिशूल को दिखाया गया है। पता चलता है कि वह हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इंग्लिश में अगर पढ़ दूं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट्स फॉर डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, यानी इस तरीके से जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूर्णन करती है इसके वजह से ही दिन और रात होती है, पहली बार सबसे पहले कौन बताया? आर्यभट्ट, वास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर? अब ये आप सोच के सही जवाब दीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ये इंडिया के मैथमेटिशियन हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं और इनका जन्म हुआ था 476 CE में, ठीक है? कहां पर? तो पटना, और पटना उस समय कुसुमपुर कहा जाता था, ठीक है? कौन सी रेन थी, कौन सी डायनेस्टी थी? गुप्ता डायनेस्टी के टाइम की बात हो रही है, ओके? इन्होंने बहुत तरीके के अपने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और जो पटना के नजदीक तारेगना जगह है वो इनसे रिलेटेड है, आप जानते हैं इस बात को। मसूरी वाला जो क्षेत्र कहलाता है, मसौढ़ी का क्षेत्र कहलाता है, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। अब ये बात हो रही है इस क्षेत्र की, आपको सोचना है, समझना है, ठीक है? देखिए, ये बात हो रही है आज का जो इंडो चाइना का क्षेत्र है उस जगह की बात हो रही है, ठीक? सुवर्ण भूमि कहा जाता था, वहां का कौन सा राजा था जो यहाँ पर उस समय पाल डायनेस्टी है, तो यहाँ पर देवपाल से रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ पर 5 गांव ग्रांट में दे दीजिए ताकि जो मोनेस्ट्री बनाई गई है नालंदा में उस राजा के द्वारा उसका देखभाल हो सके। धरिंद्र, संग्राम धनंजय या बलपुत्र देव या फिर चूड़ा मणिवर्मन? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 86 की पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन एक कठिन क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सोचना था, समझना था, और इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाता है, ओके? तो ये जो रचना है माना जाता है कि ये अरियन के द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसका जो वास्तविक लेखक है उसका इतना अच्छा साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ इसका आंसर जो है बीपीएससी ने ऑप्शन ई ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 87 कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहां से हुआ? तारीख ए हिंद से या ताजुल मासिर से या तबाकत ए नसीरी से या तारीख ए मुबारक शाही से? पहला इंस्टेंस, पहला विवरण जो है वो कहां से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तबाकत ए नसीरी। अब बात ये आ जाती है कि बताइए कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस बुक के रचयिता हैं मिनहास सिराज, ठीक है, मिनहास अल सिराज, ठीक है, इनके द्वारा
ये मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, ठीक है। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? और ऑप्शन ई तो आप जानते ही हैं। तो ये बात हो रही है बिहार के क्षेत्र की, और यहाँ पर ना सिर्फ बिहार के क्षेत्र की, जो भी रेन था अलाउद्दीन खिलजी का, तो वहां पर उसने टैक्सेशन हैवी रखा था, और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सेक्ट से बिलोंग करते थे? यानी सूफीजम आप पढ़े हैं, हमने उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप बताइए क्या वो सिहरी वर्द सुहरावर्दी सिलसिला से थे, या ऋषि सिलसिला से, या चिश्ती, या फिरदौसी सिलसिला से? ये एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो बहाउद्दीन जकारिया है, वैसे वो एक सुन्नी मुस्लिम थे और सूफी संत, और ये सुहरावर्दी संप्रदाय का जो स्थापना है इन्हीं के द्वारा किया गया। ओके, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं कि इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था? यानी एक राजा है जिसने अपने ट्रूप्स को 200 में, 250 और 500 यूनिट्स में बांटा था। अब ये बहुत अजीब फैक्ट्स हैं, पता नहीं क्यों इस तरीके के सवाल तो नहीं पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह या इस्लाम शाह। ओके, तो सोचिए, गेस करिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि एक से अधिक करेक्ट आंसर है। शेर शाह और उसका पुत्र इस्लाम शाह दोनों मिलकर इस स्ट्रेटेजी पर काम किए, और बाद में इस स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाया गया अकबर के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 91, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट मैं बोल देता हूं कि अकबर के शासन में अलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। ये स्टेटमेंट किसने दिया कि 5,000 to 20,000 मेन वर्क फॉर 40 ईयर्स टू बिल्ड द प्लेस ऑफ 40 पिलर्स एट अलाहाबाद इन अकबर टाइम, या अकबर के रेन में? अब ये अलाहाबाद आजकल प्रयागराज कहा जाता है, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, मनुची, या फिर ट्रेवनियर, या फिर विलियम फिंच, या अब्दुल हामिद लाहौरी। सोच के आपको सही जवाब देना है, और ये स्टेटमेंट दिया गया था विलियम फिंच के द्वारा। तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके, जब हम यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं, या स्टडी आईक्यू में जब आपके लिए हम लोग स्मार्ट कोर्सेज बनाए हैं बिहार को फोकस में रखते हुए, तो जिस राजा के समय में जो विदेशी शासक आया है, विदेशी ट्रेवलर आया है, उस पर हमने एक विशेष फोकस रखा है। क्वेश्चन नंबर 92, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? विच सुल्तान वॉज रिप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? इसकी नीतियां अच्छी थी और लोग इसको प्यार से अकबर ऑफ कश्मीर कहते थे। तो किस सुल्तान की बात हो रही है? अब इस सवाल में आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इतना रटा रटाया सवाल है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ये जैनुल अबुद्दीन जो है, अबिदीन, जैनुल अबुद्दीन, इसकी बात हो रही है। करेक्ट आंसर हो गया 92 का ऑप्शन डी। अब जरा सा आपको रेन वगैरह पता होना चाहिए कि हाँ, ये कब की बात हो रही है। तो ये कश्मीर का 8वां सुल्तान है, और इसका जो शासन है ये अकबर से पहले था, करीब अकबर से 100 साल पहले इसका रेन था, लेकिन इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत कहाँ किसने की थी? ओके, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी सरयतुल्ला, या सैयद अहमद, या सलीमुल्ला, या मोहम्मद अली जिना? ये एक साधारण और आसान सा सवाल है, क्योंकि
क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रम एग्राफ बुक्स पढ़ते हैं वहां पर इन चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है। करेक्ट आंसर हो गया हाजी सरियतुल्ला। अब ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं और जो रिवाइवल मूवमेंट्स हैं एंशियंट इंडिया की, उनसे सवाल पूछे गए हैं बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 94, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? सवाल का मकसद समझिए कि आजादी से पहले के भारत के पुस्तकों पर विशेष जोर रहता है बीपीएससी का, और ये तो आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ को देखते हुए इस बुक की रचना की थी। करेक्ट आंसर हो गया 94 का ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक न्यूज़पेपर भी चलाया जाता था रफ्त गोफ्तार, इसका मतलब होता है द ट्रूथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट के द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसके लिए बहुत तरीके की लड़ाइयां लड़ी गई थी तभी जाकर ये हासिल हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1868, 1881, 1885 या 1893। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 1885 में क्या होता है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है ये विधान परिषद के द्वारा जो रेंट आयोग के रिकमेंडेशंस को मानते हुए पारित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शन है 1897, 1907, 1905 या 1912। अब इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, तो करेक्ट आंसर बता दीजिए कि बात है 1912 की। दिल्ली दरबार वगैरह की बात है, दिसंबर में डिक्लेयर कर दिया गया था, और फाइनली 22 मार्च 1912 को उड़ीसा के साथ बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? हु इनवाइटेड गांधी टू, महात्मा गांधी जी टू चंपारण? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरुल हक या फिर कृष्ण सहाय? इससे आसान सवाल शायद ही कोई होगा। आप चंपारण के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप राजकुमार शुक्ला को जानते हैं। इनके गांव के नाम को जान लीजिए, इनके गांव का नाम है मुरली भरावा। इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा चुका है, तो राजकुमार शुक्ला जी के गांव को जान लेना एक बार के लिए उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होनी चाहिए थी। मौलाना मोहम्मद अली या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? और ऑप्शन ई है, एक से अधिक भी सवाल का जवाब हो सकता है, सोचिए और आप फिर इसका जवाब दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पंडित नेहरू के द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की बात कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ये बीपीएससी में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक है, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 1921, 1927, 1931, 1934, यानी 1921, 1931, 1927 या 1934। ये बीपीएससी बार बार रिपीट करता है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर 1931 बताइए, और तेजी में आगे आप बढ़ सकते हैं। कुछ इमिनेंट पर्सनालिटीज का अगर नाम बताना हो तो आप इससे रिलेटेड बता सकते हैं, जैसे कि अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, फुलेवा प्रसाद वर्मा, महेंद्र नारायण रॉय, सत्य नारायण सिंह, अंबिका कांत सिंह, ये सब उसके कहने की फाउंडिंग मेंबर्स थे। 100 नंबर सवाल, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? यानी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार? अनुग्रह नारायण सिंह या अनुग्रह बाबू, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिन्हा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया 100 का ऑप्शन डी, यानी श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा जी जो हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कब की बात हो रही है? तो जो 1936, 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे पोस्ट
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, इसके बाद जो इलेक्शंस हुए थे, जो प्रांतीय चुनाव हुए, उसके बाद की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? अब स्थल रुद्ध का मतलब हो गया लैंड लॉक्ड कंट्री। यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कोई ऐसा देश जिसकी बाउंड्री किसी भी ओशन को ना टच करे या किसी भी सी को ना टच करे, उसको ओपन ओशन या ओपन सी का एक्सेस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको यूरोप का पहले मैप देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यूरोप का मैप रहा। तो यहाँ पर पहले चारों जो देश दिए गए हैं इनको इनसर्कल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर ये यूक्रेन नजर आ रहा है, यहाँ पर आप हंगरी देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कौन सा देश आपको नजर आ रहा है जो ढूंढना है, बेल्जियम। ओके, तो आप यहाँ पर इस बेल्जियम देश को देख पा रहे हैं, और एक रोमानिया दिया गया है। रोमानिया ये बड़ा सा देश है यहाँ पे इनके तुलना में। तो ये इस तरीके से चारों देश हो गए। देखिए यहाँ जो बेल्जियम है, इसको तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो अटलांटिक ओशन है उसको इसका एक्सेस मिला हुआ है। यूक्रेन जो है ब्लैक सी होते हुए यहाँ पर कर्च स्ट्रेट, अजोव वगैरह सब कुछ देखते हैं कि ये करते हुए ये फाइनली जाके मेडिटेरेनियन और इस तरीके से ये अटलांटिक को मिल जाता है। तीसरा जो देश है रोमानिया, सेम इसकी भी स्टोरी है, लेकिन जो ये हंगरी है ये लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ है, स्थल रुद्ध है, और यही करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, मडागास्कर, ग्रेट ब्रिटेन और सुमात्रा। तो जैसा कि आप इस मैप को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इन कंट्रीज को पहले या इन आइलैंड्स को देख लेते हैं। ये जो मेडागास्कर है, ऑप्शन सी ये रहा मेडागास्कर। जो बोर्नियो कहा गया है, तो वो यहाँ जो इंडोनेशिया लिखा गया है ये बोर्नियो है। यहाँ पे टोटल तीन देश हैं इस पर, एक है इंडोनेशिया, एक है मलेशिया, और एक यहाँ छोटा सा देश है ब्रुनुई, ओके, जिसकी राजधानी बंदर सरी बेगवान है। ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला रीजन, और सुमात्रा, तो जावा और सुमात्रा ये यहाँ की बात हो रही है, ये आइलैंड रहा सुमात्रा का, इंडोनेशिया का ये आइलैंड है। अब इसमें बताना है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है। इस तरीके का सवाल बीपीएससी हर बार पूछ रहा है। एक बार जापान वगैरह न्यूजीलैंड को तुलना करते हुए पूछा गया था, और ये भी सवाल आप देख पा रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, बोर्नियो जो है ये इन चारों में सबसे बड़ा आइलैंड है। और बोर्नियो इसलिए भी न्यूज में रहा है क्योंकि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जो है यहीं पर शिफ्ट करने वाला है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है यहाँ पर मेडिटरेनियन क्लाइमेट यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है मध्य चिली यानी सेंट्रल चिले, केप टाउन, एडिलेड, पंपास। वो कौन सा क्षेत्र है? देखिए ध्यान से समझिए। तो आप मध्य चिली समझ रहे हैं कि ये इस क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पे चिले देश है जिसकी राजधानी सेटियागो है। केप टाउन यानी कि बात हो रही है साउथ अफ्रीका की, यानी ये वाला क्षेत्र हो गया। एडिलेड यानी कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र की बात हो रही है, और ये पंपास जो है ये अर्जेंटीना के इस क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, अब आप सोच के बताइए कि कहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं दिख रहा है। ये मैप आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा है, और शायद इसमें अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि जो पंपास है, वो जो ग्रासलैंड है, वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में पंपास पड़ता है, और या जो है ये लोलैंड्स हैं, और ये आप जब पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रासलैंड्स जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, तो वहां का क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस आपको नजर आता है। इसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से कुछ भी लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यह नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 104, वो देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ब्राजील, जापान। ये एक आसान सवाल है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, जानते सुनते आए होंगे कि चीन जो है वो काफी आगे है, लीडर है रेशम के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 105,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन पूछा जा रहा है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का आफ्टर यूएसए। ठीक, तो ये सवाल जो है ये न्यूज करेंट्स बेस्ड हो सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी सऊदी अरबिया है। क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है मोर और लेस कॉन्स्टेंट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। यहाँ पे बताया गया है भुवन की पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं और इनके नाम पर ही पहाड़ों के नाम दिए गए हैं। और ये जो भुवन का हिल्स है ये उसका हिस्सा नहीं है। ये तो बात आप बचपन से सुनते आए होंगे। मैं बचपन वर्ड कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कहने का मतलब होता है कि जब आप 9th-10th क्लास में पढ़ते होंगे, 9th-10th स्टैंडर्ड में, तो ये चीजें आप कई बार सुन चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो भुवन की पहाड़ियां हैं ये असम से इत्तेफाक रखती हैं। तो करेक्ट आंसर यही हो गया क्योंकि यह नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ माउंटेन पास बताना है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खीबर पास। सही जवाब बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाथुला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं। करेवास, करेवा ये एनसीईआरटी का टर्म है, करेवा डिपोजिट, करेवा सॉइल जो है इसमें बहुत अच्छी खेती होती है जैफरॉन की। सैफरॉन की एक लोकल वेराइटी है, ये आपको कहाँ मिलता है इस तरीके का अगर मिट्टी आपसे पूछा जाए इंडिया में कहाँ मिलेगा। ये कश्मीर घाटी में मिलने वाला क्षेत्र है। करेवा की खेती, करेवा में ही सैफरॉन के स्पेशल वेराइटी जैफरॉन की खेती होती है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक उठाइए, वहां ये बात लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 109, ये सेंसस से क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या यानी ऐसी पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है अर्बन पॉपुलेशन कितने परसेंटेज है। और इस तरीके का जब सवाल है तो पैरेलली बिहार के बारे में भी आपका फिगर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो इंडिया के लिए ये फिगर 31% है, इंडिया के लिए तो 31 जान गए, बिहार के लिए करीब 11% है। ओके, क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पर बात हो रही है नीति आयोग की। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतक समूह यानी थिंक टैंक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आसान है, आप बताइए। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 111, बात हो गई कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर कब हुआ। आप जान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में ये पॉपुलर डिमांड उठी थी, इसके बाद इस तरीके की बातें हुई। करेक्ट आंसर है इसका 1956। और आज का आखिरी सवाल कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी जहां ईख की खेती ज्यादा होती होगी उसी को सुगर बॉल कहेंगे ना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या हरियाणा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सुगर के प्रोडक्शन में लीड स्टेट है और इसको बॉल कहते हैं, सुगर बॉल कहते हैं, चीनी का कटोरा। और अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाए तो क्यूबा हो जाएगा। क्यूबा एक आपको टापू देश नजर आता है जब आप अटलांटिक ओशन को देखते हैं, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। वहां के बहुत लंबे समय तक जो हेड ऑफ स्टेट रहे हैं उनका नाम है फिडेल कास्ट्रो, और उनका रसिया से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है, लेकिन यूएसए से बड़े ही खट्टे रिश्ते रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 से, और कहा जा रहा है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अगर मैं इसी सवाल को इंग्लिश में पढ़ दूं तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और ऑप्शन दिया गया है सीट, माइका, कॉपर, जिप्सम और आयरन ओर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूछना, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आपको पहले इस चीज को देखना है कि यहां पर रिजर्व पूछ रहा है या प्रोडक्शन पूछ रहा है, क्योंकि आप फैक्ट्स को समझना चाहेंगे तो आप देखेंगे कई बार प्रोडक्शन के लिए अलग कंट्री होती है जो लीड करती है और रिजर्वायर में कोई दूसरी कंट्री होती है।
अब यहां पर बात हो रही है कि इसमें से किसमें भारत लीड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइका। इसका बहुत सारा यूज है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में, जैसा कि आप जानते हैं इसको एक इंसुलेटर के तौर पर यूज किया जाता है आयरन वगैरह में, इमर्सन रड तो नहीं, बाकी सोल्डरिंग आयरन वगैरह में बहुत जगहों पर इसका यूज किया जाता है। ओके, और माइका जो है ये एक शाइनी सिलिकेट मिनरल है और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, इस तरीके से लेयर बाय लेयर इस तरीके से इसके लगे होते हैं। और अभी अगर कह लें कि इंडिया में कौन सा स्टेट इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो आंध्रा जो है लीड कर रहा है। एक जमाने में झारखंड और बिहार का रीजन इसमें लीडर हुआ करते थे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं और कहा जा रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, और ऑप्शंस दिए गए हैं 1911 में, 1912 में, 1936 में या सन 2000 में। अब ये एक बहुत आसान सवाल है, अगर आप जरा भी बीपीएससी का प्रिपरेशन किए हैं यहीं से तो शुरुआत होती है बिहार की, मॉडर्न बिहार की। ओके, तो देखते हैं हम कि 22 मार्च 1912 वो दिन था जब बंगाल के प्रांत से बिहार को अलग किया गया, और 1 अप्रैल को यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब इस सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो सन 2000 है इसमें बिहार से टूट के झारखंड अलग हो जाता है, मतलब आपसे पूछ लिया गया साफ तौर पर स्टेटहुड कि बिहार एक स्टेट के रूप में कब गठित हुआ। क्या सही जवाब इसका आप बताएंगे? ऑप्शन बी यानी कि सन 1912। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इंग्लिश थोड़ा इसका ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको आसान भी लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली? तो इसको हमने बहुत अच्छे से जियोग्राफी के मॉड्यूल्स में कवर करा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब हम बिहार को देखते हैं तो इस तरीके से अगर मैं कहूं कि ये बिहार का स्ट्रक्चर है, यहाँ से गंगा रिवर गुजर रही है, तो ये जो रीजन है आप देखते हैं कि ये हिमालय के फुट हिल्स हो गए, ये टर्सियरी फेज में डेवलप हुए, ये जो मैदानी भाग है क्वाटरनरी फेज में डेवलप होता है, यहाँ पर आपको अरावली का रीजन नजर आता है, सॉरी यहाँ ये विंध्य का रीजन नजर आता है यानी कैमूर और रोहतास के डिस्ट्रिक्ट में। बाकी आप यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ों को पठारों को देखते हैं, राजमहल हिल्स का ये भागलपुर वाला क्षेत्र है, बांका वाला क्षेत्र है। ओके, और जो खड़गपुर है जो मुंगेर के क्षेत्र में है यहाँ पर इस जगह पर, तो ये जो खड़गपुर के हिल्स हैं ये जियोलॉजिकली ओल्डर हैं अगर हम बाकी के डिवीजन से तुलना करें तो। इसके ऊपर हमने विशेष डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियां। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 आपसे पूछता है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। अब ये बात कह दिया गया कि अब आप समझिए अगर हो सकता है कि कोई नया डिस्ट्रिक्ट बन जाए, तो ऐसे चीजों को दूर करने के लिए साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है ईयर या महीना। चलिए अब यहाँ पर आपको बता देना है कि पटना डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में टच करता है। अब ऐसे सवाल को आप अगर अपने से डील करें तो आप समझते हैं कि आपके इमेजिनेशन बहुत अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा लिस्ट देख लेंगे लेकिन उसके पहले मैप का सहारा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पटना डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, मैं जरा कलर यहाँ पर पेन का चेंज कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर दिख सके। ओके, ये पटना डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ देखिए ये से भोजपुर डिस्ट्रिक्ट टच है, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। अरवल टच है तो इसके लिए 2 हो गया। जहानाबाद टच है इसके लिए 3। नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी टच कर रहा है तो 4 हो गया। आप देखिए पटना जो है सारण से भी टच है यहाँ पे तो 5। वैशाली से टच है तो 6 हो गया। यहाँ देखिए ये समस्तीपुर को भी टच कर रहा है तो 7। बेगूसराय को टच कर रहा है तो बेगूसराय के लिए 8।
और ये पटना डिस्ट्रिक्ट जो है लखीसराय को भी टच कर रहा है, तो 9, लेकिन ये शेखपुरा के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। यानी टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। अब एक बार में अगर आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेना चाहें तो काफी आसानी से ले सकते हैं, बता सकते हैं कि उत्तर से सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिम से देखें तो भोजपुर, दक्षिण से जहानाबाद। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हाँ ये अरवल का जो क्षेत्र है यहीं पर बता दीजिए, आगे चल के लखीसराय, नालंदा का जो हिस्सा है और बेगूसराय, ये सब टच होते हैं टोटल 9 जिले। क्वेश्चन नंबर 117, यहाँ पर बात की गई है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस तरीके के मिट्टी से आच्छादित है। ये माउंटेनियस सॉयल है यानी पहाड़ी मिट्टी है, या एलुवियल सॉयल है यानी कि कछारी माटी है, या रेगुर यानी कि ब्लैक सॉयल है, या तराई मिट्टी है। अब जियोग्राफी में इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है और ये इतना आसान टॉपिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार का जो मेजोरिटी है वो एलुवियल सॉयल से घिरा हुआ है, पहाड़ी मिट्टी, तराई मिट्टी काफी कम है और उनको कह सकते हैं कि ये नगण्य है एलुवियल के तुलना में। और अगर हम सही ढंग से समझें तो हमारे पास बिहार में जो एलुवियल सॉयल है वो दो टाइप का है, एक कहलाता है न्यू एलुवियम, एक कहलाता है ओल्ड एलुवियम। दोनों में डिफरेंस आप समझते हैं, खादर, बांगर, इन चीजों को यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्नलिखित साक्षरता, सॉरी, न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के दृष्टि से बताना है। देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है, ये किसी और रिपोर्ट के हिसाब से पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। और अगर सर्वे के हिसाब से देखें तो बॉटम टू टॉप अगर हम राज्यों को अरेंज कर दें तो यहाँ पर सबसे ऊपर बिहार आएगा, यानी कि लीस्ट लिटरेट स्टेट हुआ करता था बिहार 2011 के सेंसस के हिसाब से। बाकी जो अभी रिसेंट सर्वे हो रहे हैं उससे पता चलता है कि बिहार अब नीचे से अगर देखें तो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, और लीस्ट एडुकेटेड या लिटरेट अगर हम स्टेट की बात करें तो आगे के लिए आंध्रा कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी नीचे से फर्स्ट कर गया बिहार। अब बिहार की लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए कि हम कहेंगे कि ये अप्रोक्स 61% है, और यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर करीब 71%, महिला साक्षरता दर करीब 51%, इस तरीके से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 119, कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, यानी इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो जूट प्रोड्यूस करते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि जूट प्रोडक्शन के हिसाब से बिहार का क्या रैंक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, और इसका करेक्ट आंसर है कि बिहार का जो रैंक है वो सेकेंड है। यानी सबसे अधिक अगर कोई राज्य है जो प्रोड्यूस करता है जूट तो वो है वेस्ट बंगाल। यानी गैंगेटिक डेल्टा जो है दुनिया का 80% जूट प्रोड्यूस करता है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश जो कि पहले कभी एक ही लैंड मास हुआ करते थे, एक देश होते थे, वो प्रोड्यूस करते हैं 80%। इसमें भी अगर इंडिया की बात करें तो मेजोरिटी जो है वो वेस्ट बंगाल से आता है, और छोटे राज्यों में मतलब वेस्ट बंगाल के बाद बिहार है, आसाम है और उड़ीसा है, लेकिन सेकेंड रैंक जो है वो बिहार का है। अब उड़ीसा है, असम, वेस्ट, यहाँ आंध्रा में भी थोड़ा बहुत होता है। अगर बात करें कि किन किन देशों में जूट जो है उत्पाद इसका उत्पादन किया जाता है, तो इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, यही 3 देश हैं जूट के लिए। क्वेश्चन नंबर 120, कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, यानी विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार। यानी अब बिहार के जियोग्राफी को समझते हैं, बिहार के लोकेशन को समझते हैं, अब इसके आधार पर आप बताइए कि क्या यहाँ ऑयल रिफाइनरी के पोटेंशियल्स हैं, क्या इनकी प्रत्याशाएं हैं, संभावनाएं हैं, या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज अच्छा थ्राइव करेंगी, या सैंड माइनिंग इंडस्ट्री, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब इस क्वेश्चन को आप जब बहुत अच्छे से समझेंगे तो देखेंगे कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ इनॉर्मस पोटेंशियल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, क्योंकि यहाँ पर 89% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है, और यहाँ पर मेनली 50
प्लस जो पॉपुलेशन है 50% प्लस वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अनेक तरीके के पोटेंशियल्स हैं, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। ये पहली बार ग्रीन बजट पास किया गया, एग्रीकल्चर कृषि मैप रोड मैप आप जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, खेत जल जीवन हरियाली मिशन की आप बात कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके की स्कीम्स हैं जैसे एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप की, और जो अभी जो कि हमारे राज्य में एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई सात निश्चय पार्ट टू, वहां पर तो इलाबोरेट वे में बताया गया है कि किस तरीके से प्रमोट करना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, तो ये आप समझ ही सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 पर आ जाते हैं, और यहाँ पर बात की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकते हैं या दे सकता है, यानी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग, किसको लिख के रिजाइनेशन देंगे, प्रेसिडेंट को या प्रधानमंत्री को या लॉ मिनिस्टर को या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को या इनमें से किसी को नहीं या एक से अधिक को। आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। आर्टिकल 124 जो है हमारे संविधान का, उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, उनके ही हिसाब से इनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, और इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट के अपना रिजाइनेशन जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो 121 का सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पूछा जा रहा है कि हु वाज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आर्टिकल 340 से इत्तेफाक रखता है, जहां पर कि ये बात हो गई कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के हिसाब से द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वॉज सेटअप, ये आर्टिकल याद कर लीजिए। और यहाँ पर 29 जनवरी 1953 की बात है, यहाँ पर जो केलकर साहब हैं, इनको काका केलकर कहते हैं, यही चेयरपर्सन बने थे पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन के। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे चल के बहुत सारे लोग इस ऑफिस को बियर करते हैं। चलिए, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं, और बात हो रही है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मेरे हिसाब से ये एक साधारण और आसान क्वेश्चन है, और इसका जवाब डायरेक्टली बहुत सारे लोग बता पाएंगे कि हाँ, ये डायरेक्टली गवर्नर जो है वही अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो इस पोस्ट से उस व्यक्ति को हटा नहीं सकते हैं। तो आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 जो है हमारे संविधान के, इन यहाँ पर अच्छे से इलाबोरेट वे में बताया गया है प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, यानी कि अगर मैं बात करूं कि किस तरीके की संरचना होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया और इससे जुड़े अन्य जो भी मामले हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो अन्य सदस्य होते हैं, उनको राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 124, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम मतलब कितनी होनी चाहिए या उस उम्र से कम नहीं होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। अब इस सवाल में कोई दम है क्या? नहीं ना, आप जानते हैं इसके लिए उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 साल। अगर कोई व्यक्ति 25 साल से कम उम्र का है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन सी हो गया, ये आप बात समझ रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि बातें कहाँ की गई हैं और ये कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, टोटल कैपेसिटी कितनी है, इस तरीके का इंफॉर्मेशन गैदर करते रहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। ये शायद बीपीएससी आसान क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछ देता है कि अगर आप कहीं परेशान हो गए हैं, हताश निराश हो गए हैं, तो यहाँ पर उस चीज का आप डैमेज कंट्रोल कर लीजिए। तो गवर्नर को आप जब देखते हैं तो आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 162 तक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात की गई है किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का,
और कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 35 साल या इससे अधिक उम्र का है और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बियर करता है, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। तो 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पॉलिटी में इन चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से डील कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 126, और यहां पर बात हो रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अंग्रेजी में इस बात को बोल दें, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल केसेस, यहां कहना चाहिए था शेड्यूल कास्ट होना चाहिए था, इन लोकसभा में। और यहाँ आर्टिकल 330, 331, 332, 333 का हवाला दिया गया है, और ऑप्शन ई जो है इससे अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन दिया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 330 जो है वहीं पर ये बातें की गई हैं। आर्टिकल 330 जो है हमारे संविधान का, यहाँ पर बात कर दिया गया है कि कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहने चाहिए लोकसभा में फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, जो नंबर है सीट का वो कैसे तय किया जाता है, ये पॉपुलेशन बेसिस पर देखा जाता है राज्यों के लिए। ओके, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि टोटल कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में, तो ये आप जान सकते हैं। तो 84 यानी कि 84 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, जबकि जो 47 सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं लोकसभा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रपति जी से डायरेक्ट सवाल पूछ दिया गया है, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, या क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का मेंबर होता है। तीसरा ऑप्शन पूछा गया है कि इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सीट्स इन द पार्लियामेंट, कि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर तो होते हैं और पार्लियामेंट में ही बैठते हैं। चौथा ऑप्शन है कैन वोट इन द पार्लियामेंट, कि क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट के वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो हमारा पार्लियामेंट है उसके तीन पार्ट हैं, एक पार्ट को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा, और तीसरे को कहते हैं प्रेसिडेंट। और ये जो प्रेसिडेंट हैं इनके ऑफिस को राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट से अटैच्ड ऑफिस नहीं है। ओके, और प्रेसिडेंट जो है ये पार्लियामेंट में वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये पार्ट है, ये बात तो तय है, लेकिन ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, और ये ऑफिस जो है इनकी पार्लियामेंट में नहीं है, ये बात गलत है। यहाँ पर मतलब ये बोला गया है कि बैठते हैं पार्लियामेंट में, तो ये बात गलत है क्योंकि वो अटैच्ड ऑफिस नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। 127, 127 का सही जवाब ऑप्शन बी। इसमें किसी भी तरीके का संकोच अगर है तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं वापिस से। क्वेश्चन नंबर 128, जहां पर यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, आर्टिकल 33, 40, 48, 50, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत की जब बात आती है तो आपके मन में गांधी जी के विचार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज खुद ब खुद आ जाते हैं, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो, और वहां पर आर्टिकल 40 जो है ना उसमें मोटे मोटे शब्दों में कहा गया है, वो निर्देश देता है सरकार को कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें वे अधिकार प्रदान करें कि वे स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में सक्षम कार्य कर सकें। ओके, आर्टिकल 33 क्या है, वो पार्लियामेंट को इम्पावर करता है कि वो रजिस्ट कर सके, एब्रोगेट कर सके फंडामेंटल राइट्स को आर्म फोर्स मेंबर्स के लिए। आर्टिकल 48 जो है वो ऑर्गेनाइज करने की बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को, जबकि आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है स्टेट के लिए कि वो सेपरेट करे जुडिशियरी को एक्सिक्यूटिव से पब्लिक सर्विस में किसी भी राज्य के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी।
अब हम आ जाते हैं सवाल 129 नंबर पर कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो जब हमने वीडियो की शुरुआत करी थी तभी बात हुई थी कि सन 2000 में झारखंड जो है 15 नवंबर को अलग स्टेटहुड को प्राप्त कर लेता है। और ये 15 नवंबर जो दिन है बड़ा ही खास है क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। तो 129 और इसका सही जवाब जो हो गया क्या हो गया, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि करीब 46% जो बिहार का यूरी एरिया है वो कट के झारखंड बना था। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज सरकरिया कमीशन विच वाज इम्पावर टू रिकमेंड चेंजेस इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन सबमिटेड इन द रिपोर्ट। अभी सरकरिया कमीशन से सवाल पूछ लिया गया था कि सरकरिया कमीशन का स्थापना कब हुआ था और उन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को सही ढंग से पढ़ते हैं तो इन चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर बात सही तौर पर समझें तो सेटअप तो 1983 में किया गया था और उन्होंने इस रिपोर्ट को 1988 में टेक्निकली सौंपा है। ओके, जनवरी 1988 में। तो आपको लगेगा कि इसके हिसाब से ऑप्शन ई हो जाना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर 1988 ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर जो है ऑप्शन डी लिया था। क्वेश्चन नंबर 131 वापिस आर्टिकल से सवाल है कि इसमें से कौन सा वो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर्टिकल 280। आप समझ गए होंगे कि जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं क्वालिटी के वो काफी इजी हैं। अभी 15 फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है और 15 फाइनेंस कमीशन में कहा गया कि 41% प्लस 1% यानी टोटल 42% सेंटर जो है वो राज्यों को टोटल पैसे का शेयर जो है अपना दे दे, लेकिन यहाँ पहले जो 42 था उसको बाइफरकेट करके 41+1 कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट के जगह यूनियन टेरिटरी बन गया। तो अब जो राज्यों का यहाँ पैसा था ना वो यहाँ पर 1% कम करके यहाँ पर 2 UT को बढ़ा दिया गया है। यही चेंजेस किए गए हैं, शायद आप इस बात को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 132 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कि भारत के जो महान न्यायवादी हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये एक आसान सवाल है, मैं बार बार पॉलिटी के क्वेश्चंस में इस बात को दोहरा रहा हूं और शायद मैं दोहराने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये आसान सवाल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होता क्या है कि जब आप यूनियन एक्सक्यूटिव शुरू करते हैं पढ़ना वहां पर सबसे पहले आप देखते हैं प्रेसिडेंट को और एक पूरी सूची खुल जाती है प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेते हुए ये किनको 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 अपॉइंट करते हैं, उसमें ये सारे नाम आते हैं और ये काफी आसान होता है आपको याद रखना, एक बार में ये याद कर लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 133 कि ड्यूरिंग द 12th 5-year plan यानी कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहा एग्रीकल्चर के लिए और अलाइड सेक्टर के लिए, ये लक्ष्य क्या रखा गया था आपसे पूछा गया है, 3%, 3.5%, 4% या 4.5% या इनमें से कोई नहीं। और ये जो टारगेट है ये था 4% अचीव करने का। ये क्वेश्चन हो सकता है आप ना जानते हो उस समय के लिए, लेकिन एक आइडिया तो लग गया कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 134 सरकार की नीति जो है मेक इन इंडिया का उद्देश्य। तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, आज आपके लिए आसान हो गया, लेकिन जब ये करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था हो सकता है बहुत लोग इसमें उलझ गए होंगे। जैसे आज के लिए सवाल आत्मनिर्भर भारत वगैरह जो है उस तरीके का सवाल हो गया। सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्लोथ्स को हटाना इसका काम था, रेड टेपिज्म को खत्म करना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, प्रोडक्टिव कंपटीशन लाना, इन चीजों को प्रमोट कर रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 135 बात की गई है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए
प्रोत्साहिकी नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक इनिशिएटिव नहीं है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? अब इस सवाल को अच्छे से आप देखिए तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। चारों ही सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कि नन ऑफ द अबव जो है वो एक तरीके से कह लें कि अवरुद्ध है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ई, यानी यूपीएससी सॉरी बीपीएससी जो सवाल पूछता है उसमें ऑप्शन ई का भी एक तवज्जो है। बहुत सारे सवाल, 10 से 12 सवाल ऑप्शन ई वाले कई बार पूछ लिए गए हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ऑप्शन ई होगा क्या, लेकिन नहीं, आंसर बहुतों का ही होता है। आप इस तरीके से एनालाइज कर भी रहे होंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 136, पूरा पूरा का फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को नगरीय सुविधाओं को प्रदान करने का जो एक प्रारूप है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर एपीजे कलाम के द्वारा, या मनमोहन सिंह के द्वारा, या लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, या राजीव गांधी जी के द्वारा? अब सोच के आपको सही जवाब देना है, और इसका करेक्ट आंसर है कि एपीजे कलाम साहब जो हैं, यानी कि हमारे पहले साइंटिस्ट प्रेसिडेंट और एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हमारे देश के, डॉक्टर कलाम साहब का ये आइडिया था कि इस तरीके से अर्बन एमिनिटीज जो है वो प्रदान की जाए रूरल एरिया में। 136 का सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर आपसे पूछा गया है। तो अब ये सारे फिगर्स तो याद रहते ही हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसमें सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए। आप एकदम लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, करीब 65% जो है, 65.5% यही महिला के साक्षरता का दर है इंडिया के लिए, और इसको लगाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जनगणना से सवाल बैक टू बैक पूछे जाते हैं बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? यानी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन? और यहाँ पर चार अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, एस चक्रवर्ती और वेंकैया नायडू। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द अबव मोर देन वन। सोचिए, फिर से एक बार विचार करिए और फिर सही जवाब दीजिए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद यूनुस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस देश के नोबेल प्राइज विजेता हैं, तो मोहम्मद यूनुस हैं, इनका इत्तेफाक बांग्लादेश से है, और इस तरीके का मॉडल 1976 में बांग्लादेश में अपनाया गया था। काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है, माइक्रो फाइनेंस वगैरह के जो आज की बातें हो रही हैं उस तरीके का आइडिया जो है वहां पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो ये क्वेश्चन तो आज के हिसाब से आप देखेंगे उस समय जो भी गवर्नर रहे होंगे, आंसर बताने की भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, यानी इसमें से कौन सा आप एक मैकेनिज्म अपनाएंगे जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए? इफिशियंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, या यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? समझ पा रहे हैं, आप बिल्कुल गांव का खेत ना देखे हो, खेत को असली में ना देखे हो, टीवी फिल्म सिनेमा में ना देखे हो, फिर भी आप बताएंगे कि सारा मैकेनिज्म अपनाएंगे तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चारों के चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं आंसर को, तो ऑप्शन ई हो गया, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141, 141, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, यानी कि जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में गारंटी एक्ट लाई गई कि आपको 100 दिन का जो रोजगार है उसको पक्का किया जाएगा, उसमें मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, यहाँ पर हम आपको बातों बातों में जवाब भी दे ही चुके हैं, अब सोचना है आपको थोड़ा विशेष तौर पर। ओके, क्या होगा? ऑप्शंस देख रहे हैं कि परिसंपत्तियों का निर्माण करना या माइक्रो इरिगेशन के लिए है, या वाटर मैनेजमेंट के लिए, या इनहेंस करना है रूरल इनकम को। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 141 का? ऑप्शन ई।
यानी कि ये तो एक मेन मकसद हो ही गया, लेकिन इन चीजों को ही पूरा किया जाता है। जैसे लोगों को नौकरी दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र का इनकम बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर अब नल, सड़कें, गलियां बनती हैं, तो ये सारे काम भी कहीं ना कहीं होते रहते हैं। गांव के एसेट तैयार होते हैं, परिसंपत्तियां भी निर्माण होती हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनियन बजट 2017-18। यहां पर ट्रांसफॉर्म इंडिया, क्लीन इंडिया, एडुकेट इंडिया, एनर्जाइज इंडिया, सोचना है आपको। और अब इसका आप जवाब दे पाएंगे, लेकिन आप सोचिए, ये आज के संदर्भ में इसका जवाब आपके लिए जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी के हिसाब से उस समय के लिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। आप अभी के बजट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इसे ये सीख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, यानी जो लेट 20th सेंचुरी का था, यानी 1960 से 1970 के बीच का जो दौर था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, तो यहां पर उसमें कौन सा एक सुटेबल आंसर है आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान से यहाँ ऑप्शंस को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या सब्जियों के लिए था या अनाजों के लिए? देखेंगे कि सबसे ज्यादा लाभान्वित तो इसे व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है। दूसरा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, क्या गहन कृषि जिला कार्यक्रम के रूप में चलाया गया? नहीं, पूरे प्रोविंस के लिए था। ये हाई येल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था, यानी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, या सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। अब यहां पर अगर आप मतलब हल्के में इस क्वेश्चन को लेंगे तो गलत कर बैठेंगे। आप बोलेंगे कि सब सही लग रहा है हमको और ऑप्शन ई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया है तो देखेंगे कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई येल्ड वैरायटी के सीड्स यूज किए गए, यहाँ पर फर्टिलाइजर को यूज किया गया, और जम के कृषि में कृषि का कार्य इरिगेशन का फोकस था, मतलब कि यहाँ पर जम के कहें कि सिंचाई की गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन डी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इसे सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ, और यही वाटर टेक्नोलॉजी जो है इसके तहत इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो बाद में पहुंचा दिया गया राजस्थान के क्षेत्र में भी। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? अब आज के हिसाब से आपको जवाब देना है, सोचना है और इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर अमिताभ कांत इस क्वेश्चन का था। क्वेश्चन नंबर 145, वापिस से सेंसस पर चले जाते हैं और कहा जा रहा है कि इन राज्यों में किस राज्य का पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है? क्या होगा आंसर? बिहार, ऑब्वियसली बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा। और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो वो है 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ओवरऑल इंडिया के लिए ये फिगर क्या है? तो ये है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146, वापिस से ये सेंसस का क्वेश्चन, देख रहे हैं कितना सवाल आ रहा है। और बिहार राज्य का सेक्स रेशियो पूछा गया था, क्या है बिहार राज्य का सेक्स रेशियो? तो ये है 918, बिना किसी कंफ्यूजन के। हाँ, बाकी ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, और यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था? बिहार इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? ईयर है 2006-07, और 2019-20 का जो संस्करण था वो 14th था इस एडिशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, ये जो क्वेश्चन था कि इन बिहार ड्यूरिंग अप्रैल से जून 2018 विच सेक्टर हैज अटैच द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, लेकिन इस क्वेश्चन को ही बीपीएससी डिलीट कर दिया, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर सिर फोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, ये फेट की बात है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, उस पर विवाद खड़ा हो जाता है, हो
होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, इस तरीके की मानवीय भूल होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार स्टेट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, 65%, 67%, 68% और 70%। देखिए ये बात काफी क्लोज की हो गई, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको फिगर पता होना चाहिए। और बिहार में आप देखते हैं कि करीब 74% वर्कफोर्स जो है वो इंप्लॉयड है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ई। ठीक है, और आज का और 64वीं बीपीएससी का आखिरी सवाल कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आज भी रेलेवेंट है, आज भी आपसे पूछा जा सकता है। प्री कोविड, पोस्ट कोविड, डेवलपमेंट रेट, ग्रोथ रेट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन यहां पर 6.3, 7.3, 8.3, 9.3% था, लेकिन उस साल जो ग्रोथ रेट वो 10.2% था और एबीसीडी में से कोई नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ई, यानी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट।